ऑडियो uh, क्लियर है क्या एक बार बता देंगे मेरे को जल्दी से हाँ आई कैन सी ठीक है दो मिनट दीजिए मुझे परफेक्ट हाँ आई कैन सी पीपल चलिए बहुत बढ़िया थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए मुझे अभी वॉइस आ रही है कि नहीं <laughs> अब आ रही होगी ना वॉइस अब अभी कैसे बोल रहे हो नो no वॉइस परफेक्ट चलो बहुत बढ़िया आई कैन सी पीपल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन शुरू करते हैं हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू द सेशन पीपल हु नो मी वेल एंड गुड पीपल हु डोंट आई एम तनुजा सिंह परमार एंड आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग एडुकेटर हम लोगों ने योद्धा बैंस लॉन्च कर दिया है उस पर हम लोगों ने इरीगेशन अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था ख़त्म कर दिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए जो भी न्यू uh, मेडिकल्स लगे वो मैंने आपसे शेयर किए टेलीग्राम चैनल पर जितना कंटेंट दिया वो सबका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया आपको वो सारे पीडीएफ सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके पास टेलीग्राम चैनल पे आ गए थे है ना उसके बाद अब मैं अपने सेकंड सब्जेक्ट पे स्विच कर गई हूँ एक पूरी वोटिंग हुई जिस पे अभी तक कन्वर्सेशन चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना था बट क्लियर विनर वॉज़ आर योर विश तो इसीलिए अब मुझे आके यहाँ पे एट योर सर्विस आई एम स्टैंडिंग हीर तो मुझे यहाँ पे आर स्टार्ट करना है आज बिफोर स्टार्टिंग आर जितना ये क्लैश ऑफ ओपिनियन चल रहा है टेलीग्राम पर धीरे धीरे तो सारे सब्जेक्ट होने हैं हो जाने दो है ना जिसको ज़्यादा वोट्स मिले उसको हो जाने दो पहले उसके बाद कर लेंगे सोम के लिए बहुत सारे लोगों को इशू हो रही थी उसके बाद बहुत सारे लोगों को था कि उनको फ्लूट मैकेनिक्स करना है ग्रेजुअली सब कुछ कर लेंगे फाइन तो चलिए आर सी स्टार्ट कर रही हूँ आज पहली बार इस चैनल पर आर पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग आज लाइव दिख रहे हैं वो सारे लाइव रहें कंटिन्यूसली लाइव रहें क्योंकि पता नहीं वॉट गो रॉन्ग इरीगेशन में भी स्टार्टिंग में ऐसे ही नंबर्स दिखते हैं और उसके बाद फिर ग्रेजुअली सब कुछ एक्सपोनेंशियली नीचे जाने लगता है आई डोंट नो तो अभी देखते हैं आई एम होपिंग कि आप बहुत सीरियसली लेंगे इस पूरे के पूरे जो भी मैं एफर्ट्स पुट डाउन कर रही हूँ ये जो पूरी सीरीज चल रही है सिंपल इसका एक ही रीज़न है इससे आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट uh, क्या मैं बोलूँ एडवांटेज होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स के लिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिविजन कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं आप ग्राउंड जीरो से पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट में कोई इशू है आप यहाँ कवर कर सकते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई जस्ट वॉन्ट दैट अश्योरिटी कि आप कहीं से तो पढ़ रहे हैं चाहे वो सेल्फ स्टडी हो कोई और यूट्यूब uh, चैनल हो कोई और पेड क्लास हो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव यू टू थाउजेंड परसेंट इट इज़ हाई टाइम नाउ तो मुझे बस चाहिए कि आप uh, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए मैक्सिमम मैक्ममम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं आई डोंट हैव एन इशू विद दैट बट मेरे को ये चाहिए कि हाँ आप बैकलॉग्स मत रखिए सारी वीडियोस अच्छे से देखिए पढ़िए जो भी डाउट होता है टेलीग्राम चैनल पे पूछिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ जाएगा वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जितना भी नोट्स मैं यहाँ दूंगी आपको वो सब आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है सब कुछ आपके पास टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है आपने इरीगेशन में देख लिया है सो वी आर डन अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए चलिए अब मैं शुरू करती हूँ और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम डायरेक्टली आरसीसी में स्विच करूँगी जो भी आपको डाउट्स लगेंगे वो सारे थोड़ा यहाँ देखते रहूंगी बट बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने वालों के लिए फिर वो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा तो काम काम की बात करते हैं और जितना भी कन्वर्सेशन करना होगा टेलीग्राम पे कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं रह पाती हूँ नोट्स का काम होता है आपके लिए हैंड पिक्ड क्वेश्चन देखने होते हैं दूसरी सीरीज़ आएगी आपकी अपराजित उसके क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बट एवरी नाउ एंड देन मैं टेलीग्राम पे रहती हूँ अवेलेबल आज मैं शाम को आई विल मेक श्योर की मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहकर ग्रुप में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे इरीगेशन का आपको जो जो डाउट होगा इरीगेशन पे मुझसे पूछिएगा आई विल बी देर आई विल आंसरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फाइन तो इरीगेशन का जो आपका डाउट सेशन है क्यू एन ए सेशन है उसके लिए मैं आज आपके पास अवेलेबल रहूँगी मैं एक ऑडियो भेज दूँगी आपको कि फॉर नेक्स्ट वन वन एंड हाफ आर टू आर आई एल बी लाइव आपको जो डाउट पूछना है आप पूछिए टेलीग्राम पे फाइन चलिए फाइन 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 ओके पहली बार लाइव देख रहे हैं निखिल ड्राइव क्लास रेगुलर रहेगा कल के बाद रहेगा कल क्लास नहीं रहेगा क्योंकि कल तो भयंकर दिवाली मनानी है तो कल क्लास नहीं रहेगा कल के बाद लगातार क्लासेस होने वाली हैं ठीक है स्टेटमेंट uh, वाले क्वेश्चन ले आएंगे एलेक्स डोंट वरी ठीक है चलिए आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन हेलो 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 एवरी वन चलिए शुरू करती हूँ आर की बात करने वाली हूं आपसे हैंड रिटन नोट्स सब यहाँ आपके पास है बहुत ग्राउंड जीरो से बात करूंगी आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है कोई भी डर होगा अगर आपके मन में आर का तो वो निकाल के फेंक दीजिएगा जितने कोडल प्रोविजन होने वाले हैं सब आपको मिलेगा यहाँ पे एक एक कोडल प्रोविजन आई कैन श्योर यू कि कोई कोडल प्रोविजन आपसे कहीं नहीं छूटेगा मैं डायरेक्टली एल से स्टार्ट करने वाली थी आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन लेती और उसके बाद मैं एल पे स्विच करती बट कल जैसे ही मैंने टेलीग्राम ओपन किया एक कमेंट ने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया अटेंशन ले लिया मतलब मेरा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि एल से तो सब बताते हैं आप डब्ल्यू से बताइएगा क्योंकि डब्लू से क्वेश्चन आते हैं मेरी गारंटी है डब्लू बताऊंगी मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू उसके नोट्स नहीं थे मैंने नोट्स पुट डाउन कर दिए हैं आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत वक्त जाएगा कल डब्ल्यू फिर एल कल मैं डब्ल्यू एस एम एल एस एम का पूरा फ्लेंज बीम तक निपटा दूंगी देन विल डू द शेयर एंड टॉर्शन एंड वो वाला पूरा पार्ट आपका कॉलम वाला पार्ट बीम वाला पार्ट ग्रेजुअली फोर सेशन करने की कोशिश करेंगे आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक बार आप देख लीजिए कि आर सी सी में है क्या क्या अगर पहले पढ़ चुके हैं तो रिविजन कर लीजिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल सफिशेंट होगा हर स्टेट ए जे हर पी एस यू और हर एस एस सी जेई आर आर बी जे के एग्जाम का जो भी स्टैंडर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्टेंट आपसे पूछा जाएगा उसके लिए सफिशेंट होगा बहुत सारे ई एस सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट के लिए मैं बोलती हूँ सफिशियंट नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि गेट लेवल के क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व नहीं करवाती हूँ एंड गेट पूरा गेम प्रैक्टिस का है वो प्रैक्टिस मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ इसलिए अपने थमनेल में गेट नहीं लिखती हूँ बाकी और ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे मिस हो जाएगा इस कॉन्टेंट में तो यू कैन एम फॉर एनी एग्जाम एंड कवर दिस सिलेबस चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं आपको इस पूरे आर में कवर क्या क्या करवाने वाली हूँ तो देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट से तो आपसे आप आज बात करूंगी इंट्रोडक्टरी पार्ट बट कल जो शुरू करूंगी तो वो स्टार्ट करूंगी डब्ल्यू से पहले ये टॉपिक नहीं था मैंने ऐड कर दिया बिकॉज यू गाइज वांटेड ठीक है डब्ल्यू के पूरे आपको मैं एक एक बताऊंगी पूरे के पूरे आपके अकोडल प्रोविजंस आपको पूरा वो जो टेबल आपको जो भी दिक्कत होगी वो सिग्मा सी की सिग्मा टाउ वो एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस की या फिर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस की लोड में कितना लगता है कंक्रीट में कितना लगता है मतलब स्टील में कितना लगता है लोड की वजह से क्या होता है हर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पूरा टेबल याद हो जाएगा आपको सिंगली के लिए भी बात करूंगी डबली के लिए भी बात करूंगी देन आई एल स्विच टू लिमिट स्टेट लिमिट स्टेट में आ जाऊंगी लिमिट स्टेट में जो भी कोडल प्रोविजन चेंज होंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ से आने वाला है उसके लिए भी सिंगली डबली सब कुछ आपके लिए पूरा का पूरा स्ट्रेस ट्रेन कर्व दिखा दूंगी आपको दोनों ही कंक्रीट के लिए भी बात करूंगी स्टील के लिए भी बात करूंगी पूरा फेलियर दिखाऊंगी आपको कहाँ से होने वाला है एक एक चीज़ पॉइंट करके टेंशन की कोई बात नहीं है सिंगली बात करूंगी डबली बात करूंगी पूरा एनालिसिस डिजाइनिंग स्टेप्स तक यहाँ डिस्कस करेंगे तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे लिवर आर्म निकालते हैं कंप्रेशन फोर्स कैसे लगता है कहाँ पे लगता है टेंशन फोर्स कैसे लगता है कहाँ पे लगता है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे न्यूमेरिकल में आपसे बनना चाहिए वो मेरी गारंटी है उसके बाद फ्लेंज बीम करूंगी फ्लेंज बीम के जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे जो भी कोडल प्रोविजन हो सकते थे हो जाएंगे इसके बाद डिजाइन ऑफ बीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है गेट EAC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट जैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहा है हमारे लिए हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ डाइसी यहां से पूछ लेगा बहुत अच्छे से डिजाइनिंग ऑफ बीम पूरा देखेंगे आपको शियर दिखाऊंगी एंकरेज बॉन्ड लेंथ पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आपको कंटेलमेंट करनी है क्या कोडल प्रोविजन से आपको पता होगा कि बॉन्ड्स और एंकरेज से आपने कोडल प्रोविजन से बड़े क्वेश्चंस देखे होंगे पीवाईक्यू अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल करेंगे उसके बाद टॉर्शन कर लेंगे टॉर्शन में बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो दो तीन वो याद रखने हैं बस आपको उसके बाद आपके लिए कंप्रेशन मेंबर में, में कॉलम फाउंडेशन और एक इसकी भी डिमांड बहुत हो रही थी चैनल में तो बिल्कुल अगर आरसी स्टार्ट किया है मैंने तो प्री स्ट्रेस करके ही जाऊंगी डोंट वरी अबाउट दैट फाइन तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आ गई पायल सारी बातें कुछ भी हो रही हैं और यहाँ उल्टा चल रहा होता है इनको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां मिल जाएगा अभी तुरंत चाहिए अगर तो किसी दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आई एम हियर तो चैनल में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता अभी है ना मैं यहाँ हूँ मैं तो लाइव बता रही हूँ ना आपको जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा मैं लाइव टेलीग्राम पे आ जाऊंगी तब ज्वाइन करिएगा बिल्कुल प्री स्ट्रेस पढ़ाऊंगी फर्स्ट ईयर वाले देख सकते हैं टेंथ वाले भी देख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं देखने का कोई रोक है क्या कोई भी देख सकता है एस एस सी जे मेन्स के लिए भी होगा कि आप प्री निकाल लीजिए मेन्स में देख लूंगी चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक्स जो भी कवर करना है वो सब मैंने आपको दिखा दिया अब शुरू करती हूँ बेसिक ग्राउंड ज़ीरो से पहले ही बोला है मैंने कि कुछ भी नहीं आता होगा तो वहाँ से बताने वाली हूँ आरसीसी जानने से पहले आपको एक और बात बता देती हूँ दैट इज़ एक टर्म बताती हूँ दैट इज़ पी फाइन आर शुरू करने से पहले आपको बोलती हूँ पी प्लेन सीमेंट कंक्रीट फाइन और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ मैं वो है आर सी सी यह है फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जब मैं आपसे पेन प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलती हूँ तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कंक्रीट का मिक्सचर है जिसमें आपके पास क्या होगा कोई ना कोई बाइंडिंग मटेरियल होगा यहाँ इस केस में सीमेंट होगा फाइन एग्रीगेट होगा कोर्स एग्रीगेट होगा कोई एडमिक्सचर हो सकता है एंड वाटर इसका सिर्फ पेस्ट जो होगा उसको आप बोलिएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट लेकिन कंक्रीट की जब भी बात करिएगा तो ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो बता दूं कि कंक्रीट का कंप्रेशन में स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है वो कंप्रेशन तो बहुत अच्छे से डील कर लेता है बट टेंशन को रजिस्ट नहीं कर पाता है फाइन और अगर आप अपने कंक्रीट को एक ऐसी जगह पे यूज़ करने वाले हैं जहाँ उस पर टेंशन आने वाला है तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और अगर आपको चाहिए कि आपका सेक्शन फेल ना करे तो आपको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी अब अगर आपको अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा जिसकी खुद की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जिसकी खुद की डक्टिलिटी ज़्यादा हो और जिसका अनइकोनॉमिकल भी ना हो जिसका थर्मल उस प्रोडक्ट का थर्मल ऑफ एक्सपेंशन और आपके कंक्रीट का थर्मल ऑफ एक्सपेंशन भी सिमिलर हो है ना ताकि जब आप दोनों को कंबाइन करें तो वो एक यूनिटी के जैसा आगे बढ़ पाएँ फाइन तो मैंने सारे रिसर्च किए और उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि मैं रेनफोर्समेंट यूज़ करूँगी रेनफोर्समेंट में मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ स्टील के रॉड्स यूज़ कर सकती हूँ एल्यूमिनियम के रॉड्स यूज़ कर सकती हूँ टिम्बर यूज़ कर सकती हूँ बहुत कुछ यूज़ कर सकती हूँ बट यहाँ पर बेसिकली जब भी बात करूँगी तो मैं स्टील रॉड्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में बोलूँगी तो छड़ तो अगर आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं भी देखा होगा तो बहुत आराम से आपने छड़ यूज़ होते हुए देखा है बस वही रेनफोर्समेंट है अगर आप कोई भी स्टील स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और स्टील यूज़ नहीं करते हैं किसी भी तरीके का रेनफोर्समेंट यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ उसमें सीमेंट है सैंड है आ, आपके अग्रीगेट्स हैं और एडमिक्सचर्स हैं वाटर है दैट्स इट अगर इतनी ही चीज़ें हैं तो वो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया और अगर आप वहीं पे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई रेनफोर्समेंट यूज़ कर लेते हैं तो वो रेनफोर्ज सीमेंट कंक्रीट हो गया तो हम जो बात करेंगे वो हम रेनफोर्ज सीमेंट की कंक्रीट की बात करेंगे यानी पहले कंक्रीट को अच्छे से जानेंगे फिर स्टील यानी रेनफोर्समेंट को अच्छे से जानेंगे और फिर उनको कंबाइन ले आगे चलेंगे ठीक है वेरी बेसिक अब मैंने आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोला कहीं तो यूज़ होगा तभी तो पढ़ रहे हैं आप बोलेंगे कि मैंने तो कहीं दे मतलब अगर इतना वीक है तो कहीं यूज़ ही नहीं होगा है ना अगर आप बोल रहे हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी इतनी कम है कंक्रीट की मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़ीरो है ज़ीरो नहीं है कम है ठीक है जैसे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपको रेशियो भी दे दूंगी लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कहीं यूज़ नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगी मैं इसका यूज़ होता है मास कंक्रीटिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में फाइन तो इसको आपको पता होना चाहिए कहीं पे ना वन लाइनर पूछ लेता है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में फॉर मास कंक्रीटिंग वी यूज पीसीसी और रेनफोड सीमेंट कंक्रीट तो आपने अभी आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होते दिख जाएगा और आपको दिख जाएगा कि हाँ ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये आर स्ट्रक्चर है क्योंकि आपको उसमें छड़ें दिख रही होंगी आगे पीछे निकली हुई फाइन चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे आइए वही चीज़ें लिखी हुई हैं देखिए बाइंडिंग मटीरियल यानी किसकी बात कर रही हूँ सीमेंट की बात कर रही हूँ सीमेंट है फाइन एग्रीगेट बोल दिए तो यानी कि सैंड हो गया कोर्स एग्रीगेट ले लिया मैंने वाटर ले लिया एडमिक्सर ले लिया कोई रेनफोर्समेंट नहीं है यानी वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात हो गई आ गई रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में तो आपको पता है कि आपका जो कंक्रीट है वो स्ट्रांग तो है कंप्रेशन में बट वीक है टेंशन टेंशन में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने रेनफोर्समेंट यूज़ कर लिया है और वो क्या करेगा रे आपके लिए डक्टिलिटी प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर में आप अगर इमेजिन भी करके देखेंगे तो जो कंक्रीट है आपका वो बहुत ही ब्रिटल स्ट्रक्चर है ब्रिटल क्या होता है चौक ब्रिटल होता है कभी तोड़ने की कोशिश करिएगा ये पेन ब्रिटल है तोडूंगी ना तो एक बार टक से टूट जाएगा फाइन डक्टिलिटी क्या है आप किसको बोलेंगे डक्टाइल मटीरियल आप स्टील को इमेजिन करके देखिए या मतलब अगर आप स्टील को इमेजिन करके देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो टक से एक बार में टूट जाएगा नहीं वो बहुत ज़्यादा क्या होगा एक्सपैंड होगा ईल्डिंग उसकी होगी बहुत ज़्यादा और उसके बाद उसमें फेलियर देखने के लिए मिलेगा तो अगर आपकी उस रेनफोर्समेंट की अच्छी यील्डिंग हो सकती है अगर वो तुरंत ब्रेक नहीं करता है क्योंकि आपको अगर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यू वांट कि उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा हो क्योंकि अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर कभी फ़ेल करता है तो मुझे वार्निंग तो मिलनी चाहिए ना दैट सो दैट आई कैन इवैक्यूएट पीपल तो मुझे वार्निंग बहुत ज़रूरी है और वो वार्निंग तभी मिलेगी जब आप डक्टिलिटी अच्छी होगी आपके स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी बढ़िया हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर आप रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे तो तो ये एक उसका एड ऑन पॉइंट है स्ट्रेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रहा है साथ ही साथ में क्या हो रहा है साथ ही साथ में उसका डक्टिलिटी भी बढ़ रही है ऑल्सो मैंने स्टील क्यों यूज़ किया मैं कोई और मटीरियल भी यूज़ कर सकती थी देखिए इकोनॉमिकल है मतलब कॉस्ट को मेरा ऐसा नहीं बढ़ा देता है कि मेरे को हैम्पर कर जाए तो इकोनॉमिकल है पहली चीज़ स्टील यूज़ करना दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है मेरे स्टील का और जो मेरे कंक्रीट का वो नियरली सिमिलर है तो उसमें कोई मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे को तो जब मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलूंगी तो ये एक यूनिटी के जैसा काम कर पाएंगे इसीलिए मैं एक स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट को प्रीफर करती हूँ और किस रेनफोर्समेंट को स्टील रेनफोर्समेंट को प्रेफर करती हूँ यानी छड़ को यूज़ करती हूँ आप बोल सकते थे कि अगर आपको रेनफोर्समेंट ही लगाना है तो आप कोई और मटीरियल यूज़ करिए स्टील क्यों तो उसके मैंने आपको प्रोज दे दिए आगे आइए जब मैं आपसे बात करूंगी कंक्रीट की अभी मैं आपसे स्टील की अब कोई बात नहीं कर रही हूँ फाइन पता चल गया आपको स्टील अभी आगे बात करूंगी बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ कंक्रीट के बारे में सोचिए जब मैं आपसे ऑल्सो आई ए एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड आपके पास होना चाहिए नहीं है तो अभी तुरंत फॉरवर्ड कर दूं क्या टेलीग्राम चैनल पे तुरंत फॉरवर्ड करूं क्या जल्दी बोलो टेलीग्राम चैनल पे अभी तुरंत फॉरवर्ड करूं क्या या रहने दूं अभी सेशन करते हैं उसके बाद आप देख लीजिएगा है ना अच्छा हाँ कमेंट दी जाते हैं आपके पास होगा ठीक है आपके पास है बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होगा आपके पास तो न, क्या करूँगी मैं आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी अभी सेशन खत्म होने के बाद तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा बट मैं आपको जितने कोडल प्रोविजन दे रही हूँ वो सब आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के हैं जो भी अमेंडमेंट आए थे आपके पास वो सब मैंने इम्प्रूव करके एड ऑन करके यहाँ रखे हुए हैं मैं आपको अमेंडमेंट्स भी फॉरवर्ड कर दूँगी जहाँ जहाँ जो भी चेंजेस आए हैं फाइन जो भी चेंजेस आए हैं जो भी अमेंडमेंट आए हैं वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर दूंगी आपके चैनल पे, सो डोंट वरी और यहाँ पे जो है सब कुछ लेटेस्ट है अपडेटेड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब चलिए आइए यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ सबसे पहले कंक्रीट की सोचिए कंक्रीट में क्या करना है मुझे आपने कंक्रीट मिक्स बना के ला के दे दिया मुझे हम इतने सारे लोग लाइव हैं हम दस लोग उनमें से जाके कोई भी कंक्रीट मिक्स बना के ले आते हैं प्ले मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो अपना मिक्सचर है बना के ले आते हैं क्या करूंगी ग्रेडिंग कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे को कौन सा कंक्रीट कहाँ पे यूज़ करना है कैसे पता चलेगा मुझे कि किसकी क्या क्वालिटीज़ हैं कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे को uh, किस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में कैसा कंक्रीट यूज़ करना है ये सब मुझे नहीं करना है ये सब बाई एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स हो चुका है और वो सब कुछ मुझे कोडल प्रोविज़न में दे दिया गया है मुझे कोडल प्रोविज़न फॉलो करना है आपको कोडल प्रोविजन फॉलो करना है और मिल कंस्ट्रक्शन करना है सो दैट वी कैन मेक अ अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर दैट वी वॉन्ट तो हमको एक गाइडेंस दे दी गई है गाइडेंस में हमको क्या बोला गया है कि जो आपका पूरा का पूरा कंक्रीट है उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है यानी ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है कंक्रीट को किस ग्रेड में डिवाइड किया ध्यान से सुनिएगा अब देखिए यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगेंगे ना सबसे पहला आपके पास ऑर्डनरी कंक्रीट ऑर्डनरी कंक्रीट क्या होता है एम से लेके एम तक के जितने भी कंक्रीट है उसको ऑर्डनरी कंक्रीट बोलते हैं इनके यूजेस आपको पता होने चाहिए ऑर्डनरी कंक्रीट जो है उसका यूज होगा आपके जनरल आरसीसी वर्क जितना भी करना होगा आपको कॉमन आरसीसी वर्क नॉट वेरी इंपॉर्टेंट उन सब में आप यूज करेंगे कंक्रीट कंक्रीट के अंदर क्या क्या आता है एम टेन आता है एम फिफ्टीन आता है और एम ट्वेंटी आता है फाइन अब आ जाइए उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट में स्टैंडर्ड कंक्रीट में क्या है एम ट्वेंटी फाइव से लेके एम सिक्सटी तक की चीजें स्टैंडर्ड कंक्रीट में यूज होती हैं ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है यानी स्टैंडर्ड कंक्रीट है इसका यूज कहां करेंगे अपन इसका यूज करेंगे हम प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर के लिए प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर क्या है आपको जानने की जरूरत इस वक्त नहीं है जब तक मैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में पहुंचती नहीं हूँ आपका लास्ट चैप्टर है मैं वहां पहुंचूंगी आपको पता चल जाएगा अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज मैं तब करूंगी जब मैं प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगी नाउ कमिंग टू हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन कौन से कंक्रीट है एम से लेके एम तक का जो कंक्रीट होता है उसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं और जितने भी हाई स्ट्रेंथ आर सी सी स्ट्रक्चर्स बनाते बनाने होते हैं जिसमें हाई डिफ्लेक्शन और हाई लोडिंग लगने वाली है उन सब में मैं यूज़ करूँगी अपना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अब आप बोलेंगे ये आपने कंक्रीट को एम टेन एम फिफ्टी एम सिक्सटी फाइव एम हंड्रेड ये सब क्या बोल रहे हो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एम टेन जब मैं किसी को डिनोट करती हूँ या फॉर एग्जाम्पल एम ट्वेंटी जब मैं किसी को डिनोट करती हूँ तो मेरा एम का डिनोशन होता है मिक्स इसका मतलब है मिक्स और आपको पता है कि कंक्रीट क्या है एक मिक्सचर ही तो है ना फाइन तो एम का मतलब है मिक्स ये जो नंबर मैंने बगल में लिखा हुआ है ये उसकी स्ट्रेंथ बताता है कौन सी स्ट्रेंथ बताता है बता सकते हैं कौन सी स्ट्रेंथ बताता है बता सकते हैं क्या मैम पहले स्टैंडर्ड में एम ट्वेंटी फाइव से एम फिफ्टी फ़ाइव हुआ करता था अब एम सिक्सटी तक होता है अमेंडमेंट आ गया है मैंने बोला ना अमेंडमेंट आ गया है अपडेट कर दिया मैंने uh, ये शुभ है ना एक्चुअली अ मोमेंट शुभ आपको मैं आ, लास्ट बार बोल रही हूँ कि बहुत आराम से मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी यहाँ पे ऑल बिकॉज कि मैं अपने ये जो दो तीन सेकंड है ना यहाँ से जाके वहाँ ब्लॉक करने में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसलिए आप बचे हुए हैं प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ एंड मेंटेन दी डॉक्यूमेंट है ना एंड दिस इज फॉर एवरीबडी चलिए आइए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपसे एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी की बात कर रही हूँ तो एम क्या है आपका मिक्स है ट्वेंटी क्या देता है मुझे ट्वेंटी मेरा स्ट्रेंथ देता है स्ट्रेंथ देता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देता है किसका मेरे कंक्रीट का कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है ऑफ 150 फिफ्टी एम क्यूब एट 28 एट डेज क्या है ये क्या बोल रही हूँ मैं बताऊँगी अभी के लिए सिर्फ आप ये टर्म देख के रुक जाइएगा मैंने आपको सारे कंक्रीट को कुछ अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया अचानक से मैंने बोला कि आपका एक कंक्रीट होता है एम ट्वेंटी मैंने बोला आपका एक कंक्रीट है एम ट्वेंटी फाइव मैंने बोला आपका एक कंक्रीट है एम थर्टी फाइन इसमें जो एम है आपका ये आपका मिक्स है फाइन और ये जो ट्वेंटी यानी ये जो नंबर आपको बगल में दिए गए हैं ये आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताते हैं ठीक है इनको डिनोट कैसे करते हैं एफ सी के बोलते हैं इनको अभी के लिए इतना पता रहना चाहिए आपको किसका टेस्ट हुआ है मेरे 150 फिफ्टी एम एम क्यूब का टेस्ट मैं कर रही हूँ ट्वेंटी एट डेज पे इस पूरे टेस्ट को बहुत डिटेल में बताऊंगी अभी आपको तो आपको समझ में आ जाएगा बट मैंने ये जो ग्रेडिंग की ये तो आपको समझ में आ गया ना बस ये एम ट्वेंटी आया कहाँ से और ये कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या है टेस्ट से पता चलता है टेस्ट कैसे होगा अभी दिखाऊंगी आपको तो आराम से चलिए टेंशन लेने की बात नहीं है आगे आइए ये, ये देखिए अब ये आपको मैंने क्या लगा दिया है कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट एक पेज लगा दिया आई डोंट नो कि आपको कितना क्लियर है कितना नहीं है कोई बात नहीं आपको जब नोट्स आएगा वहाँ आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा सो डोंट वरी अबाउट दैट मैं आपको बता देती हूँ बस जो मैंने चीज़ें आपको बोली वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देखिए ऑर्डनरी से ऑर्डनरी कंक्रीट जो है आपका एम से एम तक होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट जो है एम से एम तक होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो एम सिक्सटी फाइव से एम हंड्रेड तक होता है इतनी चीज़ें दिखा दी मैंने आपको और वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो ग्रेड का कंक्रीट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर कंक्रीट की बात करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है तो वो ट्वेंटी है वही चीज आपको टेबल के फॉर्मेट में लिखी हुई है क्लियरली नथिंग एल्स जो मैंने बताया वही लिखा है और ये आपका क्या है टेबल नंबर टू है आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड का आगे आइए अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है मेरे पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंड क्या करता है एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन हो गया यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ आपको बड़े जल्दी यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा अब ध्यान से सुनिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैंने आपको बता दिया मैंने बताया ना ऑर्डनरी होता है एक स्टैंडर्ड होता है एक एकदम हाई स्टैंडर्ड होता है मैंने बहुत सारे बनाए हम सब में से सारे लोग क्या कर रहे हैं हम सबको कंस्ट्रक्शन करना था और uh, मैं मैंने ले लिया एम टेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसी ने कोई और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लिया किसी ने कोई और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लिया और हम कंस्ट्रक्शन करने लगे बट जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ना उसके लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि मैं किस जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मुझे जो अपना कंस्ट्रक्शन करना है वो किस जगह पे करना है मुझे जो मेरा कंक्रीट यूज़ करना है वो किस जगह पे यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बात तो यहाँ से समझ में आ गई होगी पिछला टेबल देख के कि जो आपका गर, ये ये जो है ना आपका एम टेन एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव एम तो ये जो जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है अगर आप एम टेन से एम ट्वेंटी तक की बात करेंगे तो उनको मैं जनरल कंस्ट्रक्शंस भी यूज़ कर रही थी लेकिन अगर आप एम सिक्सटी फाइव से एम हंड्रेड के बारे में बात करेंगे तो उनको मैं हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर रही थी तो आप ये तो समझ गए कि अगर किसी की किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू ज़्यादा है उसके आगे लिखी हुई यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है अगर उसकी स्ट्रेंथ झेलने की शक्ति ज़्यादा है मतलब वो एक पावरफुल कंक्रीट हो गया अगर वो एक पावरफुल कंक्रीट है तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा पावरफुल कंक्रीट ना यूज कर लूँ और किसी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन में कोई वीक कंक्रीट ना यूज कर लूँ उसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पे कि आपको किस जगह पे कंस्ट्रक्शन करना है फाइन ये देखिए मैंने आपके सामने दिखा दिया आर के लिए भी आपसे बात की है मैंने पी के लिए भी बात की है मैंने और मैंने बात नहीं की है कोड ने बात की आपके सामने ला रख दी हूँ मैं डायरेक्ट वन मार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा बहुत बार आपने पी में देखा हुआ है देखो

तो मैं अगर वहां पे कंक्रीट कौन सा यूज कर रही हूँ एम फोर्टी यूज कर रही हूँ तो आपको मॉडरेट लग रहा था आप एम ट्वेंटी फाइव यूज कर लिए गड़बड़ हो गया ना तो आपको बताऊंगी आपको देख के डेफिनेशन पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन सा कंडीशन है माइल्ड कौन सा है मॉडरेट कौन सा है वेरी सीवियर कौन सा है एक्सट्रीम तो ये जो आपके एनवायरमेंट में जो आपके एक्सपोजर में जहां आपको कंस्ट्रक्शन करना है वहां पे जो भी सिचुएशन होगी जो भी कंडीशन होगी उसके रिस्पेक्ट में आपको लेके चलना है अपना कंक्रीट का ग्रेड उससे कम आप नहीं ले सकते कम अगर आप उससे ले लेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे आपका स्ट्रक्चर सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को फाइन जैसे मैंने बोला कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में हैं आप तो आपको अगर आप आर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेनी है वो आपको कम से कम एम लेनी है आप एम से ज़्यादा लीजिए नो इशू बट आप एम से कम नहीं ले सकते आप जिद मड़े हैं कि नहीं मैं एम से कंस्ट्रक्शन करूँगा एक्सट्रीम कंडीशन पे आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा तो देखिए मैंने आपको आर के लिए भी आपको बता दिया कि आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो सकता है कम से कम आपको क्या लेना होगा और पीसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी दे दिया यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है लिखा होगा उसमें कि आपको किसके लिए पूछी जा रही है चीजें ये देखिए डैश लिखा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे कोड ने नहीं दी अगर कोड ने नहीं दिया कोड ने नहीं डिटरमाइन किया तो यानी आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा अगर पूछ लिया तो एक ऑप्शन होगा या तो नन ऑफ द अबव या तो होगा नॉट डिफाइंड फाइन बाकी देख लीजिए अगर माइल्ड एक्सपोजर है और आपको आर कंस्ट्रक्शन करना है तो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एम लेंगे एम ले लेंगे आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा फाइन अगर मॉडरेट है तो एम अगर सीवियर है तो एम अगर वेरी सीवियर है तो एम थर्टी फाइव और अगर एक्सट्रीम है तो एम फोर्टी वैसे ही आपके लिए पीसीसी के लिए भी मैंने दे दी वैल्यूज आ गई बात समझ में अब मैंने आपको बोला कि आपको पता नहीं है आपके लिए जो मॉडरेट होगा वो मेरे लिए एक्सट्रीम हो सकता है जो मेरे लिए सीवियर हो वो आपके लिए माइल्ड हो सकता है कैसे पता चलेगा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि माइल्ड एक्सपोजर का केस है तो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेंगे तब तो आप फट से देख के बता देंगे बट बत अगर सिचुएशन लिखी हो कंडीशन लिखी हो तब देखते हैं क्या होता है आइए अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए आगे अच्छा आपको सी वाटर पता नहीं है क्या होता है आइए देखिए अब यही चीज़ है यही यही मैं आपको कह रही थी पढ़िए क्या लिखा है देखिए आपको क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट चाहिए आपको सी वाटर के कंडीशन के लिए सी वाटर के लिए अब ये बताओ कि जहां पे भी आपके स्ट्रक्चर में सी वाटर का इंटरेक्शन होगा यानी आप ऐसे जगह पे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो जहां सी वाटर से उसका मिलना जुलना है मेरे लिए ये कंडीशन है माइल्ड कंडीशन है मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बना रही हूँ जिससे इंटरेक्शन उसका सी वाटर से है तो क्या हो गया माइल्ड है अब इसी में किसी ने शारिक ने बोल दिया कि वो मेरे लिए एक्सट्रीम कंडीशन है मयंक ने बोल दिया कि वो मेरे लिए सीवियर कंडीशन है तो आप मुझे ये बताओ कि आप किसको को कंसिडर करोगे मैंने आपको पैरामीटर्स दिए कि माइल्ड के अंदर क्या क्या आता है सीवियर के अंदर क्या क्या आता है वेरी सीवियर के अंदर क्या क्या आता है नहीं ना तो ये देखिए यहाँ आइए ये।, ये मैं मुझे कोड ने दिया हुआ है कोड ने बताया है कि ये सारा सिचुएशन होगा तो उसको माइल्ड बोल देना ये सारे सिचुएशंस होंगे तो उसको मॉडरेट uh, बोल देना ये सारे सिचुएशन्स होंगे तो उसको सीवियर बोल देना ये सिचुएशन्स होंगे तो वेरी सीवियर बोल देना देखो वेरी सीवियर के सामने एक्सपोज टू सी वाटर जैसा एक टर्म था तो अगर आपको पता होगा कि सी वाटर जैसा टर्म है मतलब ये वेरी सीवियर की बात हो रही थी क्या है ना उसके बाद देखो एक्सट्रीम के लिए ये ये सारे सिचुएशंस दे दिए हैं ये जो लिखा हुआ था ना ये थोड़ा सा जो इसका लैंग्वेज है वो मुझे डिफिकल्ट लगा तो मैंने आपके लिए ये देखो इजी लैंग्वेज में लिख दिया कि आपको सब कुछ तुरंत याद हो जाए सब कुछ तुरंत याद हो जाए अब देखो आपके लिए क्या है माइल्ड कब बोलोगे आप जब आपका कंस्ट्रक्शन आपको जहां पे करना है दैट कंस्ट्रक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अगेंस्ट वेदर एंड अग्रेसिव कंडीशन कोई भी अग्रेसिव कंडीशन या कोई भी खराब वेदर से वो प्रोटेक्टेड है इसको आप माइल्ड सिचुएशन बोलते हो मॉडरेट की बात करोगे तो देखो इट इज शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर इट इज शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन थोड़ा बहुत रेन हो रहा होगा बट सीवियर रेन नहीं हो रही है एंड ऑल्सो फ्रीजिंग और एक्सपोज टू कंडेंसेशन नहीं है आ गया, ये सीवियर बोलोगे। और हो रही है Fine, ऐसा environment है, ऐसा टेम्परेचर क्रिएटेड है कि अल्टरनेट वेटिंग और फ्रीजिंग एंड थॉविंग यही टर्मिनोलॉजी है उसकी ठीक है तो ये ऐसा हो रहा है आपके स्ट्रक्चर के साथ तब आप बोल दोगे सीवियर है वेरी सीवियर कब बोल दोगे आप वेरी सीवियर तब बोलोगे जब आपका स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू सी वाटर अब आपका स्ट्रक्चर पे क्या आ रहा है सी वाटर का इंट्रैक्शन है यानी सॉल्ट विल बी प्रेजेंट तो वो भी रिएक्ट करेगा आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के साथ कंक्रीट के साथ स्टील के साथ करोजिव फ्यूम्स भी मिल रहे हैं और सीवियर फ्रीजिंग है उस कंडीशन में तो आप उसको बोल दोगे कि ये मेरे लिए वेरी सीवियर कंडीशन है और एक्सट्रीम कंडीशन कब बोलोगे टाइडल जोन्स हैं आसपास में आपके स्ट्रक्चर के इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसके साथ अग्रेसिव केमिकल्स के साथ भी कॉन्टैक्ट है तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको कभी नहीं बोलेगा कि वो एक्सट्रीम कंडीशन है आपको बस बोल देगा दैट योर स्ट्रक्चर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अग्रेसिव केमिकल्स वॉट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही है और जब भी बात एक्सट्रीम कंडीशन की होगी तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर के लिए एम लेना होता है और पी के लिए एम लेना होता है क्या बड़ा डील बोल दिया मैंने नहीं ना उंड आगे बात समझ में बेसिक टाइडल जोन टाइड्स आ रहे हैं वेव्स आ रहे हैं सी के टाइडल जोन हाई टाइड्स हैं उस जगह पे हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आ, ये शुभ को ब्लॉक कर दीजिए आता है कोई कमेंट तो आप कर दीजिएगा कोस्टल एरियाज यस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है अभी पता चलेगा ना आगे जाऊँगी अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एन पता चलता है वेरी सुन फाइन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है आराम से चलें धीरे धीरे चल रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा चलिए आगे मूव करते हैं हाँ तो ये चीज़ आपने देख ली देखी ना ये देखी चलिए अब आ गई मैं कहाँ पे अब आ गई मैं आपके पास फाइन जैसे मैंने आपको कोडल प्रोविजन पहले देखा अब ये वाला कोडल प्रोविजन देख लीजिए और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है और आप बोलेंगे कि इस कोडल प्रोविजन से क्या क्वेश्चन आएंगे मैं बोल रही हूँ वहाँ आएंगे ठीक है यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएंगे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल टॉप नॉच करिए चलिए देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन अभी मैंने आपको जो वैल्यूज दी थी वो दी थी आपको कि आपको कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेके चलना ही होगा डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जिस भी स्थिति में जिस भी कंडीशन में आपका कंस्ट्रक्शन आपको करना है आपका स्ट्रक्चर जहाँ खड़ा करना है आपको फाइन उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने पता कर लिया एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से ही आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए जैसे आपको मिनिमम सीमेंट कॉन्टेंट पता होना चाहिए देखिए सीमेंट अगर आप डिज़ायर्ड से कम यूज़ करेंगे तो उसका जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा आपका कंक्रीट जो है आपको जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसमें से चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे तो मिनिमम आपको कितना कंक्रीट यूज़ करना है मिनिमम uh, आपको कितना सीमेंट यूज़ करना है अपने पूरे के पूरे, के पूरे कंक्रीट में इसकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा और दूसरा कि मैक्सिमम फ्री वाटर फ्री वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो की बात की गई है तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका मैक्सिमम कितना रह सकता है क्योंकि देखिए अगर आपने वाटर बहुत ज़्यादा डाल दिया लीन कंक्रीट हो जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा सीमेंट डाल दी रिच कंक्रीट हो जाएगा हो सकता है कि आपने एक्सेस सीमेंट डाल दी नॉट गुड फॉर यू अगर आपको चाहिए कि आप वो वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करके चलें तो उस main, उसको मेंटेन करके चलने के लिए यानी बेस्ट पॉसिबल पेस्ट बना के चलने के लिए आपको ये रेशियो पता रखना पड़ेगा कि एक्सेस वाटर भी ना हो जाए एक्सेस सीमेंट भी ना हो जाए तो इसीलिए वो पता चल गया क्योंकि अगर चार लोग अलग अलग कंक्रीट बना रहे हैं मिक्स तो सबका अलग अलग हो जाएंगी ना वैल्यूज किसी ने बहुत प्यूरी जैसा बना दिया किसी ने बहुत थिक पेस्ट बना दिया तो गड़बड़ नहीं हो इसीलिए मुझे कितना वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए वो भी दे दिया गया है मुझे कितना सीमेंट कंटेंट यूज करना है वो भी दे दिया गया है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी यूज करनी है पिछले पेज में देख चुकी हूँ फिर से दिखा दिया है मैंने सेम चीज ये प्लेन कंक्रीट के लिए बात की गई है सेम चीज आपके लिए रेनफोर्स कंक्रीट के लिए भी बात की गई है आपको दोनों याद होना चाहिए अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में कितना सीमेंट का वैल्यू लेना है पता होना चाहिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखना है आपका पेस्ट में पता होना चाहिए और क्या आपके पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए वो तीनों आपको यहाँ लिस्ट में दिख रहा है यू हैव टू रिमेंबर दिस फाइन ये आपको याद होना चाहिए आगे चल के दिखाऊं क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आएगा पीछे है क्वेश्चन पीछे है क्वेश्चन आप एक बार इस पूरे सीरीज को देख लीजिए जो मैंने आपको दिया यहाँ डेटा चलिए आइए देख लीजिए समझ में आ गया मैंने आपको अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम पांचों कंडीशन के लिए बता दी मैंने आपको कि आपको पीसीसी में कितना सीमेंट रखना है आरसीसी में कितना सीमेंट रखना है पीसीसी में कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखना है आरसीसी uh, में कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखना है कितना आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखना है बोथ फॉर पी एंड आर सी सी हेव लीजिए क्वेश्चन रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा राइट क्वेश्चन लीजिए पहला देखिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट चाहिए मुझे पर मीटर क्यूब पे बिल्कुल उसी पे दिया हुआ है आपको ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फॉर माइल्ड एक्सपोजर देखिए माइल्ड एक्सपोजर के लिए मुझे चाहिए मिनिमम ग्रेड ऑफ क्या कितना सीमेंट मुझे चाहिए फॉर माइल्ड एक्सपोजर बताइएगा ये लीजिए देख लीजिए आपके सामने दिया हुआ है वैल्यू Should please keep your ideologies to yourself. Hannah, this is not the right place to discuss this. Three hundred KG, right? Chalye. आपने क्या बोला मुझे मुझे आपने बोला हाँ कुछ नहीं दिया मतलब आर समझ लेना पी देना होगा तो मैंशन करेगा पी सी पूछ रहा है आपसे वो कुछ नहीं बोल रहा है मतलब वो समझ लीजिए आर की बात कर रहा है आर की बात में उसने किसकी बात की थी माइल्ड की बात की थी माइल्ड में क्या मांगा था उसने आपसे सीमेंट कितना चाहिए मांगा था किस में मांगा था ठीक है तो ये देखिए 300 दिख रहा है मुझे ऑप्शन में है मेरे पास 300 हंड्रेड हाँ बिल्कुल 300 हंड्रेड मेरे पास ऑप्शन में है फाइन चलिए आगे आ जाते हैं द मिनिमम क्वांटिटी सेकंड क्वेश्चन पता नहीं आपको विजिबल है कि नहीं द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन वन क्यूबिक मीटर ऑफ अ इन्फोर्समेंट कंक्रीट विच इज़ एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन अब देख लीजिए सी वेदर किसको बोलते हैं आप बताइए मुझे कौन सा आपका एक्सपोजर कंडीशन है uh, मैम ये एक्सपोजर किसका है इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है मेरा स्ट्रक्चर जो एक्सपोज होगा जिस इन्वायरमेंट में उसकी बात हो रही है आप मुझे बता दीजिए कि अगर सी वेदर की बात हो रही है तो वो कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है जल्दी से एक्सपोजर ऑफ माई स्ट्रक्चर दैट आई एम बिल्डिंग वेरी सीवियर का है वेरी सीवियर का है वेरी सीवियर का है फाइन uh, और कुछ लोग बोल रहे हैं सीवियर का है बताइए जल्दी, जल्दी से फिर जल्दी से बताइए कौन सा सिचुएशन है वेरी सीवियर का लग रहा है अगर वेरी सीवियर का है तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है वेरी सीवियर में मेरे पास ऑप्शन है थ्री फोर्टी तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी बताइए है ना ठीक है नियरेस्ट वैल्यू ले ली हम लोगों ने वेरी सीवियर का था चलिए थ्री ट्वेंटी कहाँ से बोल रहे हैं आप लोग थ्री ट्वेंटी कहाँ से बोल रहे हैं सीवियर की बात हो रही है ना थ्री फोर्टी हुआ थ्री ट्वेंटी कहां से बोल रहे हैं चलिए आगे आ जाइए अब आइए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में जिसकी बात आपने इतने देर से पूछ रखी थी मुझसे ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है सब 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 करेंगे धीरे धीरे सब करेंगे चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी आपको बता रही हूँ बस उसको सुनने की कोशिश करिए बहुत सिंपल है आपसे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत डायरेक्ट आएंगे हम बस एक डिस्कशन कर लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का बस इतना मतलब होता है कि ये जो मेरा कंक्रीट है फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए इस कंक्रीट को मैंने क्या क्यूब के शेप में रखा हुआ है अभी आपको समझाने के लिए मैंने अपने कंक्रीट को क्यूब के शेप में रखा हुआ है और मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब इस पर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो जो इसके अंदर की पावर होगी उस कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट करने की उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल देंगे है कि नहीं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसके अंदर कंप्रेसिव लोड को क्रशिंग लोड को जो इसके तरफ मूव कर रही है उस लोड को रजिस्ट करने की तो यानी कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा आएगी अगर इसकी कम पावर होगी कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट करने की तो उसकी वैल्यू कम आएगी ये सिंपल सी बात है अब लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे पता कैसे करेंगे कि मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बोल दिया मैंने अभी आपको क्या बोल दिया मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया मैंने आपको बोला कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट ले लो और ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में दे दिया आपको एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी और बोल दिया मैंने एम का मतलब तो मिक्स है और ये ट्वेंटी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब ऑफ वन फिफ्टी एम एम एट ट्वेंटी एट डेज ये बोल दिया मैंने आपको ये कैसे पता चला मुझे ये ट्वेंटी मुझे कैसे पता चला ये ट्वेंटी मुझे पता चला टेस्ट से फाइन वही टेस्ट मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टू विद स्टैंड ग्रेजुअल पुशिंग और कंप्रेसिव लोड ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड आपके कंक्रीट पे लग रहा है उसको किस तरीके से रजिस्ट कर पाएगा कितनी अबिलिटी से रजिस्ट कर पाएगा उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं क्यूब का स्पीसी लेते हैं उसका साइज होगा आपका वन फिफ्टी एम का क्यूब का स्पीसी ले लिया है मैंने ये लीजिए और उसका साइज है आपका वन फिफ्टी एम एम का क्यूब स्पीसीमैन नहीं तो आप सिलेंड्रिकल स्पीसीमैन भी ले सकते हैं नो इश्यूज विद दैट आप क्या करेंगे आपने स्पीसीमैन बनाया कैसे आपने सबसे पहले एक मोल्ड लिया ठीक है आपने मोल्ड लिया और उसके बाद इनफ हाँ तो आपने क्या किया आपने एक मोल्ड लिया उस मोल्ड में आपने अपने कंक्रीट मिक्स को डाल दिया कंक्रीट मिक्स को जब डालेंगे आप तो आप देखिएगा कि ये देखिए ये आपका मोल्ड है पूरा का पूरा फाइन इस मोल्ड में आपने फिल करना शुरू किया आप जब फ़िल करेंगे इसमें अपने कंक्रीट मिक्स को तो पूरा जब ये फिल हो जाएगा तो उसके ऊपर आपने क्या किया ना आपने एक स्टील का प्लेट लगा दिया ठीक है स्टील का प्लेट अभी नहीं इसके ऊपर आपने क्या किया एक सीमेंट की एक लेयर बना दी सीमेंट की लेयर बना दी अंदर तो पूरा कंक्रीट मिक्स फिल किया और ऊपर सीमेंट की एक लेयर बना दी इसको पूरा पैक करने के लिए और आपके पास अब आपका पूरा का पूरा क्यूब रेडी है ठीक है सैंपल आपके पास पूरा रेडी है आप इस सैंपल को क्या करेंगे ट्वेंटी एट डेज तक इसकी पूरी क्यूरिंग करेंगे फाइन इसको क्यूरिंग करते रहेंगे इसकी पूरी स्ट्रेंथ डेवलप होने जाए होने देंगे और ट्वेंटी एट डे को आप इसको उठा के लेके जाएंगे और कहाँ रख देंगे इसको आप रख देंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखने के बाद आप क्या करोगे कि आप एक यूनी एक्जल लोड इसके ऊपर लगाओगे यूनी एक्ज लोड मतलब एक पॉइंट लोड इसके ऊपर लग रहा होगा लोड लगाओगे और लोड लगते जाएगा आपको लोड क्या करना है आपको ग्रेजुअल लोड लगाना है इसमें आप याद रखिएगा कि इम्पैक्ट लोडिंग नहीं है ग्रेजुअल लोड लगाना है आपको इस पर और जब आप ग्रेजुअल लोडिंग लगा रहे हैं तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपका ये जो पूरा का पूरा क्यूब था वो फेल कर जाएगा वो जिस लोड पे फेल करेगा उस लोड के करस्पोंडिंग में जो स्ट्रेंथ की वैल्यू रहेगी उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ गई इस पर्टिकुलरली इस पी की बट ये जो पूरा टेस्ट होता है वो कैसे होता है आपको अच्छे से वंस एंड फॉर ऑल समझा देती हूँ ये जो पूरा टेस्ट होता है ना उस पूरे टेस्ट में हम क्या करते हैं एक स्पीसी अगर मैंने लिया सॉरी एक सैंपल लिया अगर मैंने मैंने बोला एक सैंपल लिया एक सैंपल में आपके पास तीन स्पीसी मैन होंगे तीन स्पीसी मैन तीन स्पीसी मैन का मतलब क्या हुआ तीन क्यूब्स हैं आपके पास ये लीजिए तीन क्यूब्स हैं और तीनों में आपके एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही गया हुआ है ये मत सोचिएगा कि आपको तीनों में मैंने अलग 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 कंक्रीट डाल दिया नहीं तीनों में सेम कंक्रीट पेस्ट पूरा का पूरा सेम एडमिक्सचर सेम चीज सब कुछ सेम है तीनों में सेम वैल्यूज आपने पुट की ऊपर से उसमें सीमेंट लगा कर उसको पैक कर दिया जिस तरफ में आपने सीमेंट लगाया है आपको उस तरफ से लोडिंग नहीं करनी है आपको दूसरे वाले फेस की तरफ से लोडिंग करनी है जब आप दूसरे तरफ के फेस से लोडिंग करोगे तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि आप ऊपर और नीचे स्टील का प्लेट रखे रहोगे अपने क्यूब के ऊपर और नीचे स्टील का प्लेट रखे रहोगे और ऊपर से फिर आप इसमें ग्रेजुअल लोडिंग लगाना शुरू करोगे देखिए वो जो स्टील का प्लेट आप रखते हैं ना उस स्टील के प्लेट की रखने की वजह से ना एक चीज ये हो जाएगी कि ये आपके जो आपका क्यूब है उसको जल्दी टूटने नहीं देगा वो कोशिश करेगा कि स्टील पहले उस लोड को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा और उसके बाद उस लोड का ट्रांसफर जो होगा वो आपके क्यूब में होगा तो क्या है एक यूनिफॉर्म ट्रांसफर ऑफ लोड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा पहली चीज़ ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो लोड निकल के आएगी जिस लोड पे आपका क्यूब फेल हो रहा है वो लोड एक्चुअल से ज्यादा निकल के आएगी क्योंकि स्टील कुछ लोड को रजिस्ट कर लिया ना अगर वो स्टील वाला प्लेट नहीं रहता तो डायरेक्ट अगर आपके क्यूब में लग रहा होता तो वो शायद जल्दी फेल कर सकता था फाइन क्योंकि आपको पता है कि वो दोनों एक यूनिटी के जैसा काम कर रहे हैं तो इसका काफी सारा स्ट्रेस यानी आपके क्यूब का कंक्रीट का काफी सारा स्ट्रेस जो होगा वो आपका स्टील प्लेट ले ले रहा है तो एक थोड़ा सा इसके साथ ये मेजर डिसएडवांटेज है अब पहले मैं बता देती हूँ कि एक सैंपल में तीन स्पीसी होते हैं ये बात याद रखिएगा तो अगर मैंने आपको बोला कि सौ सैंपल का रिजल्ट दे, दे रही हूँ मैं आपको तो आप दिमाग में सोच लीजिएगा कि तीन सौ स्पीसी की बात हो रही है पहली बार टेस्ट कर रही हूँ अगर एक टेस्ट कर रही हूँ ये एक सैंपल का मुझे अगर आपको रिजल्ट देना है तो कैसे रिजल्ट देती हूँ तीन स्पीसी लेती हूँ तीनों में सिमिलर कंक्रीट फिल करती हूँ तीनों में मैं क्या करूँगी सेम लोड अप्लाई करूंगी और तीनों में मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या होगा एक पर्टिकुलर लोड पे मेरा जो क्यूब होगा वो फ़ेल कर जाएगा अब मुझे पता चला कि इस पर अलग पे example, इस लोड पे फेल किया फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ए वन लोड पे फ़ेल किया इसमें ए टू लोड पे फ़ेल किया इसमें ए थ्री लोड पे फ़ेल किया अगर ये अलग अलग लोड पे फेल हुआ इसका ये मतलब है कि ये अलग अलग इनकी अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अब आप बोलेंगे कि यार आपने तीनों में एम ट्वेंटी ग्रेड का कंक्रीट फुल किया था सेम मिक्सचर है सेम पेस्ट है तो फिर ये आपको अलग अलग लोडिंग पे फेल कैसे हो रहा है जब सब कुछ सेम था तो क्या होना चाहिए था इनको फेल भी सेम लोड पे होना चाहिए था ठीक है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका कंक्रीट है वो एक नॉन होमोजीनियस मटीरियल है वो नॉन होमोजीनियस मटीरियल इसलिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके सारे सैम्पल सेम रिएक्ट करेंगे ठीक है आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा सेम पेस्ट में आप जितने बार टेस्ट करेंगे आपको उतने बार वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा सो ये बता दिया मैंने आपको मैंने यहाँ पे ये यह जो तीन लिया इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा मैं उसका एवरेज लूंगी फाइन इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा मैं उसका एवरेज लूंगी और ये जो एवरेज आएगा आपके तीन का वो मुझे रिजल्ट देगा मेरे पहले सैंपल का ये रिजल्ट हुआ तो अभी आपको क्या पता चला एक सैंपल का रिजल्ट निकालने के लिए आपको तीन स्पीसी में, में टेस्ट करना पड़ता है और वो तीनों स्पीसी के एवरेज को आप निकालते हैं आप कब कंसिडर करेंगे तीनों स्पीसी को प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट का वेरिएशन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इन तीनों में से इन तीनों में अगर आसपास में फिफ्टीन परसेंट का वेरिएशन है तो आई एम ओके विद डैट अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए और ए में फ़िफ्टीन से ज़्यादा का डिफरेंस है अगर दोनों के लोडिंग uh, में फेलियर कंडीशन uh, में यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 15 परसेंट से ज़्यादा का अगर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है मतलब आप ये पूरा का पूरा टेस्ट को डिस्कार्ड कर दोगे बट अगर ये तीनों सैंपल्स में आपके पास सिर्फ 15 परसेंट का वेरिएशन दिख रहा है प्लस माइनस तो बिल्कुल आपके लिए ये सही है एस मैन आप इन तीनों स्ट्रेंथ का एवरेज निकालोगे और जो वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू को बोलोगे कि ये वैल्यू है मेरी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए बिल्कुल इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट इज बियरेबल ठीक है इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट इज बियरेबल ए वन ए टू ए थ्री में अगर प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है तो आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट बट उससे अगर ज़्यादा निकल के आ रहा है तो फिर मैं ये एस मैन को डिस्कार्ड कर दूंगी इतनी बात समझ में आई कि नहीं और बिल्कुल टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा ग्रेजुअल लोड प्रोवाइड करते हैं आप 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट ठीक है 14, याद रखिएगा ये जो आपने रखा है इसको यूटीएम मशीन में आप इसको रखेंगे एक एक क्यूब को पहले रख के दिखाती हूँ ये जैसे आपने अगर इसको रखा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में तो आपने जो ये कंप्रेसिव लोड लगाया ऊपर फोर्टीन किलो न्यूटन पर मीटर एम एम स्क्वायर पर मिनट है फाइन पे लगाते रहेंगे आप ग्रेजुअल लोडिंग और आप कब तक लगाते रहेंगे जब तक आपका क्यूब फेल ना कर जाए जिस लोड पे वो फेल करेगा उसका रिस्पेक्टिव उसका करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होगा उसको आप बोल देंगे कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिल गया ए वन ए टू ए थ्री और तीनों में वेरिएशन प्लस माइनस फिफ्टीन परसेंट का है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तीनों का एवरेज लेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप बोलेंगे कि ये मेरे पहले सैंपल का एफ सी के निकल के आया है फाइन वैसे ही अगर आपको अब आप दूसरे सैंपल के लिए करना होगा तो आपको दूसरे सैंपल में भी तीन स्पेसिमैन लेने हैं तीनों के लिए आपको निकालना है उसका स्ट्रेंथ उसके बाद उनका एवरेज जो निकल के आएगा वो आपको फाइनल एफ सी के देगा सेकेंड सैंपल का थर्ड सैंपल के लिए आपको करना होगा तो फिर से तीन स्पीसीमैन तो आपको हर सैंपल के लिए तीन तीन स्पीसीमैन लेने होते हैं तो अगर मैंने बोला कि मैंने टेस्ट में टेन सैंपल्स यूज किए तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने टोटल थर्टी स्पीसीमे में ये पूरा टेस्ट किया है फैन आई बात समझ में चलिए आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट हाँ मैंने आपको क्या बताया देख लीजिए मैंने आपको बोला कि आपका जो क्यूब है आपने कास्टिंग की उसकी उसका डायमेंशन पहले पता होना चाहिए आपको मैंने बता दिया आपको 150 फिफ्टी mm, एम और दूसरी चीज़ की उसको आपका जो टेस्टिंग कर रहे हो वो आप कितने दिन में कर रहे हो बता दो देखो पॉसिबल है पॉसिबल है आपका सेवन डेज में भी करना ठीक है लेकिन आप किस पे करते हो जब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना हो तो आप किस पे करोगे बताओ बिल्कुल वन सैम्पल इज थ्री स्पीसी में पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं नॉर्मल टाइम है आपके पास तो बिल्कुल पढ़िए जल्दी बता दीजिए इसमें है ना ट्वेंटी एट डेज के लिए ट्वेंटी एट डेज के बाद मैं क्या करती हूँ उसमें लोड लगाना शुरू करती हूँ कास्टिंग मैंने ट्वेंटी एट डेज पहले कर ली आइए अब यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आपके लिए आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जिसके नीचे फ़ाइव परसेंट से ज़्यादा सैम्पल कभी लाई नहीं करेंगे बहुत कन्फ्यूजन होता है इस पूरे स्टेटमेंट में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ मैंने आपको बोला कि मैंने बहुत सारे टेस्ट किए थे बहुत सारे टेस्ट करने के बाद मुझे क्या मिला सबके लिए एफ सी के एफ़ सी के एफ सी के एफ़ सी के की वैल्यू मिली होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने क्या किया अगर मैंने हंड्रेड टेस्ट किए ठीक है अगर मैंने हंड्रेड टेस्ट किए हैं तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि मैं क्या बोलूँगी शुभ को ना ठीक है अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैंने हंड्रेड टेस्ट किए तो अगर मैंने हंड्रेड टेस्ट किए तो मेरे पास हंड्रेड रिजल्ट होंगे ठीक है हंड्रेड रिजल्ट होंगे फाइन मैं आपके सामने सिर्फ रिजल्ट लिख के दे रही हूं आपको अब ना इसका कोई भी मैं क्या बोलूं ये पूरी बातें अभी जो मैं लिख रही हूं अभी जो लिखूंगी वो काल्पनिक है इसका Uh, सच्ची घटना से ये कोई आधारित नहीं है ये ठीक है चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ के की वैल्यू लिख रही हूँ अभी यूनिट वूनिट कुछ नहीं लिख रही हूँ एफ के की वैल्यू पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन टू पॉइंट वन पॉइंट टू वन पॉइंट एट एट वन पॉइंट नाइन सेवन वन पॉइंट टू पॉइंट फाइव 2.89, 3.5, 3.8, 4.7, 5.2 एंड सो so ऑन मैंने हंड्रेड टेस्ट किए हैं मैंने सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया टेस्ट करके लाई मैं और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने पूरे के पूरे टेस्ट को लिख दिया हंड्रेड के हंड्रेड आपको मैंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा हंड्रेड टेस्ट मैंने किए तो हंड्रेड का फाइव परसेंट कितना होता है आप मुझे सबसे पहले बता दीजिए हंड्रेड का फाइव परसेंट कितना होता है मुझे बता दीजिए राइट right, शारिक दोनों मेजर होता है यूटीएम में अभी आपको जो टेंसाइल्स साइल्स दिखाऊंगी वो भी यूटीएम में ही मेजर करूंगी है ना हंड्रेड का फाइव परसेंट फाइव ही होगा हंड्रेड का फाइव परसेंट अगर फाइव होगा तो मैंने अगर आपको एफ सी के की हंड्रेड वैल्यूज़ यहाँ से लिख के दी हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दी हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि इस पूरे पूरे सैम्पल के लिए अगर मुझे बताना हो कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है तो क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं क्या मुझे फिर से देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख के दे दिया सिर्फ समझाने के लिए सबसे कम स्ट्रेंथ ये है उसके बाद ये है ये है ये है ये है आई बात समझ में क्या मैं एफ सी के वन पॉइंट एट एट को बोल सकती हूँ क्या जल्दी बोलिए इंडिविजुअल वेरिएशन मैं वो सबकी बात ही नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का स्टेटमेंट क्या बोलता है

नाइन पॉइंट टू वॉट नाइन पॉइंट टू कहां है नाइन पॉइंट टू ये वन पॉइंट टू है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की वो वैल्यू है जिसके नीचे आपके टेस्ट के सिर्फ पाँच परसेंट मैक्सिमम पाँच परसेंट स्ट्रेंथ लाई कर सकती है पाँच परसेंट से ज्यादा स्ट्रेंथ कभी लाई नहीं करेगी फाइन स्टेटमेंट वापस से रीड करिए इट इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट फाइव परसेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल वो नंबर जब टेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट जिसके नीचे आपके पाँच परसेंट से ज़्यादा रिजल्ट फॉल नहीं करने वाले हैं बाकी जितना भी 95 परसेंट रिजल्ट है वो आपके इस पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा ही निकल के आएगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ठीक है 0.8 पॉइंट के कैसे हो जाएगा 0.8 पॉइंट के कैसे हो जाएगा आप लोग ये बात कैसे नहीं समझ पा रहे हैं मैंने आपको क्या बोला है मैंने आपको बोला कि ये मैंने आपके सामने ये सो so ऑन लिखा है ये पूरे हंड्रेड हैं आपके पास हंड्रेड आपके पास मैंने बोला ये पूरा आपके नीचे ना यहाँ पे डैश 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 पूरे हंड्रेड सैम्पल्स हैं हंड्रेड का पाँच परसेंट क्या होता है पाँच होता है ना तो आप बताइए कि अगर पाँच इसके नीचे मैक्सिमम फॉल कर भी गए तो क्या मैं वन पॉइंट एट एट को अपना एफ सी के नहीं बोल दूंगी वन पॉइंट टू को बोलूँगी बिल्कुल वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे सिर्फ फाइव फाइव परसेंट रिजल्ट लाई करे बाकी जितना भी रिजल्ट हो वो सब उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के ऊपर ही हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हंड्रेड सैंपल्स लिए तो हंड्रेड सैंपल्स में से सिर्फ पाँच सैम्पल का रिजल्ट जो आया वो मेरे एफ से कम था बाकी नाइन्टी फाइव सैम्पल्स का रिजल्ट मेरे एफ से ज़्यादा था तो मेरा जो एफ है उस वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं यानी उस वैल्यू के स्ट्रेंथ को कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे जिस वैल्यू से सिर्फ पूरे टेस्ट में पांच परसेंट चीजें नीचे फॉल करें मैक्सिमम बाकी सारी की सारी उससे ऊपर फॉल करें आ गई बात समझ में सिंपल था वही चीज है एफ के बोला मैंने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में डिनोट करती हूँ उसको कोई डाउट इसमें आगे बढ़ू चलिए आगे बढ़ूंगी तो अब यहाँ पे मेरे को रीड करके बता दीजिए क्या है इसमें ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन फाइव परसेंट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल फाइन इसमें तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है अपने पास चलिए आगे मूव कर रही हूँ आगे देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डायरेक्टली बना दिया इससे पहले आपको कुछ समझा देती हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा तो बेहतर होगा क्वेश्चन आपको उसी पेज से आने वाला है बट आपको कुछ समझा रही हूँ ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे टेस्ट किए क्या मैंने जो हंड्रेड टेस्ट किए उसमें से सारे 100, मतलब जो मेरे पास हंड्रेड रिजल्ट आए वो सारे हंड्रेड रिजल्ट अलग अलग होंगे ऐसा होगा क्या आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं या ऐसा कहीं स्टेटमेंट में मैंने लिख के दिया कि आपको कि आपको जो रिज़ल्ट आएंगे मैंने बोला कि वेरिएशन है लेकिन क्या मैंने ये बोला क्या कि सारे अलग होने वाले हैं नहीं ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो आपके बहुत सारे सैंपल्स होंगे जिनका सेम रिज़ल्ट आ जाएगा फिर कुछ सैंपल्स होंगे जिनका सेम रिज़ल्ट यानी दो तीन सैंपल का एफ की वैल्यू थ्री आई हुई फॉर एग्जाम्पल थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बहुत दो तीन सैंपल्स थे जिनका एफ की वैल्यू सेवन निकल के आई दो तीन सैम्पल्स थे जहाँ पे एफ़ सी के की वैल्यू एट पॉइंट फाइव निकल के आई दो तीन सैम्पल थे जिनमें एफ़ सी के की वैल्यू टेन निकल के आई फाइन तो बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि क्या हो जाए मेरे साथ कि मैंने जितने सारे टेस्ट किए उसमें से बहुत सारे सैम्पल्स की रिजल्ट सेम हो जाए तो अगर बहुत सारे सैंपल्स का रिजल्ट सेम हो जाता है तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या ये देखिए क्या मैं उसको ग्राफ के टर्म्स में दिखा सकती हूँ क्या इस चीज़ को अगर मुझे ग्राफ के टर्म्स में दिखाना हुआ तो मैंने क्या दिखाया है ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब कितना सैम्पल मेरा रिपीट हो रहा है और यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं क्या बता पाएंगे कुछ सेम होगा कुछ सेम बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल सही स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अब देखिए कुछ है मेरे जिनकी स्ट्रेंथ सेम है ठीक है कुछ है फिर कुछ है मेरे जिनकी स्ट्रेंथ इतनी है कुछ सैंपल्स हैं मेरे जिनकी स्ट्रेंथ इतनी है कुछ सैंपल्स हैं मेरे जिनकी स्ट्रेंथ इतनी है कुछ सैंपल्स हैं मेरे जिनकी स्ट्रेंथ इतनी है क्या आपको ये बात समझ में आती है मैं यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इतने सैंपल्स हैं मेरे जिनकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है इन पूरे सैंपल्स की स्ट्रेंथ इन पूरे सैंपल्स की स्ट्रेंथ मेरी सेम आ रही है फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए 1.2, 2.5, 3.6, 7.9, 8.5 तो मैंने आपको यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सैम्पल्स होंगे जिनकी वैल्यू सेम आएगी जहाँ जिनका एफ सी के यानी जिनका स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो सेम आएगा ये पूरा का पूरा मैंने आपको हिस्टोग्राम में दिखा दिया ये हिस्टोग्राम में मैंने आपको दिखाया और मैंने आपके लिए एग्जाम्पल हंड्रेड सैंपल्स लिए थे तो so, उसके लिए मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा दिया है है ना ये मैंने आपको क्या दिखा दिया बार चार्ट बोलिए हिस्टोग्राम बोलिए बना के दिखा दिया मैंने आपको क्या आपको यहां से इस चार्ट को देख के समझ में आ रहा है आपने पोर्ट सीपीएम में पढ़ा है क्या चार्ट देखना समझ में आता है आपको ये मेरे पास सैंपल्स कम थे मैंने हंड्रेड सैंपल लिया था इसलिए मैं इसको अपने ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा पाई हिस्टोग्राम दिखा पाई अगर आपने पोर्ट सी पी एम पढ़ा होगा और अगर मैंने बोला कि ये जो हंड्रेड सैम्पल्स को अब मैं जो टेस्ट करूँगी वो मैं सिक्स थाउजेंड सैंपल्स में करूँगी नहीं मैं टेन थाउजेंड सैंपल्स के लिए कर रही हूँ क्या टेन थाउजेंड सैंपल्स के लिए हिस्टोग्राम बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या टेन थाउजेंड सैम्पल्स में भी तो बहुत सारे सैम्पल्स होंगे ना जिनका सेम स्ट्रेंथ आया होगा है ना तो क्या मैं टेन थाउजेंड सैंपल्स के लिए एक हिस्टोग्राम बना पाऊँगी क्या नहीं बना सकती नहीं बना सकती हिस्टोग्राम है ना अगर मैंने सैम्पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो मेरे लिए हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है जब आपने पर्ट सी पढ़ा होगा तो आपने हिस्टोग्राम जब पढ़ा होगा तो या बार चार्ट जब पढ़ा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि उसका क्या है एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आप बोलो कि आप ही बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर पाएगा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर पाएगा तो अब क्या बनेगा टावर ऑफ पावर वेरी करेक्ट अगर आपने बहुत ज़्यादा सैम्पल्स बढ़ा दिए यानी अब आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स इतने इंक्रीज हो गए तब आपके लिए क्या बनने लगेगा तब आपके लिए वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनने लगेगा तब आपको वो पूरा का पूरा जो अपना रिजल्ट होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रिस्पेक्ट में दिखाना पड़ेगा ऐसा दिखने लगेगा अभी भी वही दिख रहा है अभी भी देखिए देखा जाए तो वही बना हुआ है है ना लेकिन ये आपने हिस्टोग्राम के आ, रूप में दिखाया था अब मैंने आपको क्या बोला सैम्पल्स पहले सौ थे तो आपने बना दिया मैंने कर दिया टेन थाउजेंड नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल तो मैंने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दिखा दिया आ गई बात समझ में क्लमजी की तो बात ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है आप उतना ड्रॉ करके शो ही नहीं कर पाएंगे कहाँ शो करेंगे है कि नहीं ये आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया अब अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आपको दिखा दिया तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं ना उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो कर्व है ना वो सिमेट्रिक बनता है उनका जो कर्व है वो सिमेट्रिक बनता है कहाँ पे अबाउट द मीन उनका जो कर्व होगा वो सिमेट्रिक बनता है अबाउट द मीन और उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये देखिए तो ये मैं बात जो कर रही हूँ वो इंजीनियरिंग मटेरियल की ही तो कर रही हूँ कंक्रीट की ही कर रही हूँ यहाँ पे आपको पहले हिस्टोग्राम दिखा के प्रूव किया मैंने कि मैं, कि मैं क्या बोल रही थी सैम्पल्स बढ़ा दिए तो आप ही ने बोल दिया कि मैम अब ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है तो ऐसा बना दो ऐसा बनाया मैंने तो मैंने बता दिया आपको कि जो आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो भी ऐसे होते हैं जिनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ऐसी मटेरियल्स की उनके लिए आपको क्या बनता है आपका जो कर्व बनेगा वो पूरा का पूरा सिमेट्रिक बनेगा अबाउट दी मीन तो ये देखिए मैंने बना दिया आपके लिए सेम चीज़ ही बनाई है ना कंक्रीट के लिए बना दिया मैंने तो ये जो आपको मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है ये आपको मिल रहा है ये आपको क्या बताता था ये आपका एक्स एक्सिस आपको स्ट्रेंथ बताता था ये आपको आपका फ्रीक्वेंसी बताता था यही है ना अभी भी वही बता रहा है तो मैं जो डिजाइनिंग करूंगी याद रखिएगा मैं जो अपनी डिजाइनिंग करूँगी सॉरी ये आपको स्ट्रेंथ बताता था और ये आपको क्या बताता था ये आपको फ्रीक्वेंसी बताता था तो मेरे को आपको मैं बता देती हूँ कि जो मैं डिजाइनिंग करती हूँ वो मी मैं मीन स्ट्रेंथ के लिए करती हूँ तो ये देखिए मीन स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होगी ये जो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे बेल कर्व की निकल के आ रही है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जो निकल के आ रही है तो ये मेरे को पता चल गया मेरा मीन स्ट्रेंथ और इसी के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो अगर मुझे मीन स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइनिंग करनी है और मैंने बोल दिया कि एरिया अंडर द कर्व इज़ यूनिटी तो अगर एरिया अंडर द कर्व इज़ यूनिटी अगर मैं बोलती हूँ तो क्या मैं ये पोर्शन को एफ सी के का पोर्शन बोल सकती हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना अगर ये यूनिटी बोल दिया मैंने इस पूरे कर्व के अंदर तो ये पाँच परसेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें फॉल करती हैं उसको क्या बोलते थे ये वाला पोर्शन एफ सी के बताने लगेगा ना एफ सी के वही तो चीज़ होती थी कि जिसके नीचे टेस्ट रिजल्ट का सिर्फ पाँच परसेंट आ सकता है बाकी का नाइन्टी फाइव परसेंट बाहर रहता है उसी को तो एफ सी के बोलते थे तो मैंने एफ सी के को भी लगे हाथ आपको उसी गर्व में दिखा दिया फाइन एफ सी के दिखा दिया मैंने आपको अगर मैं यहाँ पे एफ सी के नहीं लिखती तो क्या लिखती एफ सी के ही तो लिखूंगी ना मेरा अगर ये पूरा एरिया अंडर द कर्व यूनिटी है वन है तो अगर मुझे इस पूरे वन में से क्या दिखा रही हूँ मैं आपको कि फाइव परसेंट जो मेरे टेस्ट रिजल्ट हैं वो क्या करेंगे एफ सी के से मेरे एक्सीड करेंगे वही चीज़ मैंने दिखा दी तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को मैंने एफ सी के मैंशन कर दिया यहाँ पे मुझे चाहिए मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए मुझे तो मुझे तो पता चल गया कि मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू दिख रही है ये पूरा जो डिस्टेंस है ये मेरे को मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू दे देगा मुझे डिजाइनिंग ही मीन स्ट्रेंथ पे करनी होती है अगर मुझे मीन स्ट्रेंथ पे डिज़ाइनिंग करनी है तो मुझे ये पूरी चीज़ चाहिए यहाँ से यहाँ तक तो एफ सी के है और एफ सी के की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है अगर मैंने ये पूरा टेस्ट जो किया है वो एम ट्वेंटी ग्रेड कंक्रीट के लिए किया होगा तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो ट्वेंटी होगी क्योंकि एफ सी के वैल्यू आपको पता है कि क्या निकलती है ये जो पूरा का पूरा आपके पास डिफरेंस है इसकी वैल्यू मैंने आपको लिख के दे दी है वैसे ये के और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा होता है यहाँ के लिए मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया है की value, के की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स फोर सिक्स फाइव लेके आप याद रखिए अभी के की वैल्यू अगर मुझे किसी क्वेश्चन में अलग से दिखती है कि कुछ बीच में आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगी अभी के लिए मैंने आपको ये वैल्यू दे दी है फाइन ये वैल्यू मैंने आपको दे दी है कोड ने आपको एक्चुअली ये वैल्यू दे दी है के क्यों दे दी है मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए दे दी मीन स्ट्रेंथ के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करनी है ये मेरे पास एफ़ था एफ सी के प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन करूँगी क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका क्या हो रहा है डेविएट हो रहा है सेक्शन ना अगर मैंने इसी में आपके लिए ऐसा एक बना दिया ये लीजिए और एक बना दिया मैंने ये तो अभी आपके पास अगर ये पहला सैंपल है ये अगर आपका दूसरा सैंपल है और ये अगर आपका तीसरा सैंपल है तो आप मुझे बता दीजिए कि अच्छा क्वालिटी अच्छा स्ट्रेंथ आप किस सैंपल में बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल की अगर बात हो रही होगी तो आप किस सैंपल को बोलोगे कि यहाँ क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कौन से सैंपल में आपको क्वालिटी कंट्रोल देखने के लिए मिल रही है जल्दी बता दो मुझे फर्स्ट वाला सबसे अच्छा है मोइनुल uh, ने बोला थर्ड वाला सबसे अच्छा है दोनों अपने अपने रीजन दे दीजिए मुझे जल्दी से दोनों मुझे अपने अपने रीजन दे दीजिए जल्दी से आपको क्या दिखा रही हूं मैं आप देखिए ये जो आपका लास्ट थर्ड वाला कर्व है वो थर्ड वाला कर्व आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है पहले ध्यान से देखिए आपका थर्ड वाला कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक फैला हुआ है मतलब आप देखिए कि स्ट्रेस जो है आपका वो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है स्ट्रेस जो है आपका वो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है ये क्या बताता था आपको स्ट्रेंथ बता रहा है ना तो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है आप देखिए यानी आपका डेविएशन का जो वैल्यू वो कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है अगर डेविएशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा यानी क्वालिटी कंट्रोल ख़राब है और आपका जो फर्स्ट वाला है देखिए उसमें डेविएशन सबसे कम है फाइन तो आपको ऐसे डिफरेंस समझ में आना चाहिए सैंपल वन आपको पता चलना चाहिए देख के आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है इन तीनों के कंडीशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप जितना चौड़ा करते जाएंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ वेरिएशन बढ़ती जा रही है जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ वेरी करेगा उतनी पुअर क्वालिटी का आपका मटीरियल है फाइन ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दिया मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दे दिया आपसे डायरेक्टली मीन स्ट्रेंथ पूछ लेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे के वन पॉइंट सिक्स फाइव स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की ये जो वैल्यू है ये या आपको याद रखनी होगी आपको ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट दे देगा फॉर एग्जाम्पल आपसे मीन स्ट्रेंथ पूछ लेगा एम फोर्टी ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट के लिए तो एम फोर्टी ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट के लिए आपको एफ सी के की वैल्यू फोर्टी पता है सिग्मा की वैल्यू आपको नहीं पता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और मैंने आपको वो वैल्यूज़ दे दी हैं यहाँ पे बहुत सिंपल है अगर एम टेन या एम फिफ्टीन ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट की बात की जाएगी आपसे तो आपको एफ सी के लेते तो तुरंत बन जाएगा उसका रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख दीजिएगा अगर एम ट्वेंटी से एम ट्वेंटी फाइव के बीच में बात हो रही एम ट्वेंटी या एम ट्वेंटी फाइव की बात हो रही होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन फ़ोर ले लीजिएगा और अगर एम थर्टी से ऊपर के एम थर्टी या एम थर्टी से ऊपर के ग्रेड की कंक्रीट की बात हो रही होगी तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन फ़ाइव ले लीजिएगा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे एम फोर्टी ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट आपको दिया था एम फोर्टी ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट थर्टी से ऊपर आता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइव लेना होगा यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी फोर्टी मल्टी सॉरी 40 plus 1.65 multiplied by 5. This will be दिस विल बी your वैल्यू ऑफ योर मीन स्ट्रेंथ बहुत सिंपल सी बात थी कर लिया ना हम लोगों ने फाइन ये देखिए आपको वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे. सिग्मा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में वैल्यू है आपके पास हर ग्रेड के लिए आपके पास है तो ग्रेड के हिसाब से आपको तुरंत सिग्मा पुट करने आना चाहिए वन मार्क का क्वेश्चन पूछ लेगा ये देखिए पूछ भी लिया है यहाँ आपसे पूछा है ना हाँ पूछा है इन अ मिक्स डिज़ाइन ऑफ एम ट्वेंटी फाइव कंक्रीट देख लीजिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको बोल दिया एम ट्वेंटी फ़ाइव अज्यूम द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ़ एस्टिमेशन आपको अज्यूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूम कहाँ से करेंगे आप कोड ने दिया है अज्यूम करिए एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड के लिए और आपसे बोला है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल के दो मुझे जो आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड ने दिया है तो आई एस टू थाउजेंड फोर फाइव आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड ने दिया है एफ एम यानी मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस बताइए वैल्यूज़ जल्दी जल्दी मुझे जल्दी जल्दी बताइए मुझे वन पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिगमा सारी वैल्यूज़ पुट करिए बात हो रही है एम ट्वेंटी फाइव की यहाँ सीधे सीधे मैंने एम ट्वेंटी फाइव लिख दिया प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव सिगमा की वैल्यू चाहिए टेबल में दौड़ते हैं एम ट्वेंटी फाइव के लिए सिगमा की वैल्यू कितनी पड़ेगी फोर पड़ रही है एम ट्वेंटी फाइव के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर आ जाएगी वैल्यू कितनी वैल्यू आ रही है देख के बता दीजिए मुझे अच्छा आपसे मीन रेंज पूछा ही नहीं है आपसे तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछी गई है ना आपसे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछी गई मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी नहीं गई थी एफ अपन को निकालना ही नहीं था एफ क्यों निकाल रही हूँ मैं आपसे सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए तो डायरेक्टली फोर होगी है ना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी चले आगे फाइन चलिए आ जाइए कंक्रीट मिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंक्रीट मिक्स क्या चीज़ है देखिए कंक्रीट मिक्स में आपको क्या करना है मैं जो ये मिक्सिंग कर रही हूँ मैंने आपको बोला ना कि ये जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ जिसमें मैं क्या क्या मिलाती हूँ एडमिक्सर मिलाती हूँ और फाइन uh, एग्रीगेट मिलाती हूँ कोर्स एग्रीगेट मिलाती हूँ वाटर मिलाती हूँ जो मिक्सिंग करती हूँ इस मिक्सिंग को अगर मैं और आप सब हम सब मिलके कैसी बातें करते हैं हिंदू शेरनी तनुजा सिंह कंवर कंवर नहीं परमार हूं मैं आपसे अनुरोध है कि 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में कल लाइव कीर्तन का आयोजन किया जाए बाईस जनवरी के उपलक्ष्य में कल मैंने सेशन नहीं रखा है तो उसमें अब मैं लाइव कीर्तन करूं यहाँ से कैसा कैसी बातें करते हैं यार आप में से कोई लाइव कीर्तन कर रहा होगा मैं ज्वाइन कर लूंगी डेफिनेटली आपको मिक्सिंग करना शोभा नहीं मिक्सिंग क्या होता है ब्लॉक कर दिया जाए एलेक्स हम कहा रहे ना फोकस ऑन टॉपिक चलिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक आइए देखिए कंक्रीट मिक्स क्या होता है कंक्रीट मिक्स में मैंने क्या किया है मेरे बाइंडिंग मटेरियल यानी सीमेंट फाइन एग्रीगेट यानी मेरा सैंड uh, uh, कोर्स एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर अगर चाहिए तो इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया क्या इसका कोई प्रपोशन कहीं मैंने आपको दिया यार प्रपोशन अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो बहुत सारी चीज़ें हैम्पर हो जाएंगी मुझे स्ट्रेंथ के लिए सही प्रपोशन चाहिए मुझे ड्यूरेबिलिटी के लिए सही प्रपोशन चाहिए मुझे आ, अच्छी वर्केबिलिटी के लिए सही प्रपोशन चाहिए मुझे स्मूथ फिनिश के लिए सही प्रपोर्शन चाहिए आप एक्सेस वाटर नहीं कर सकते एक्सेस सीमेंट नहीं कर सकते तो आपको आपका जो फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है उसका रेशियो पता होना चाहिए आपको कितना वाटर लेना है कितना सीमेंट लेना है इसकी रेशियो पता होनी चाहिए तो ये जो पूरा का पूरा हम क्या करते हैं प्लैंड वे में लेके चलते हैं चीज़ें और उस हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं उसी को डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं दो तरीके से की जाती है एक नॉमिनल मिक्स होता है और एक डिज़ाइन मिक्स होता है नॉमिनल मिक्स का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं आपको चार्ट शीट में आपको बस उसको देखना है और वैसे ही डिज़ाइनिंग करनी है और वही आपका रिजल्ट निकल के आएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने मुझसे पूछा मैगी कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया मैगी कैसे बनाते हैं वो मेरा तरीका था मैगी बनाने का बट मैंने आपको लिख के दे दिया कि हाँ ये ये मेरा पैटर्न है आपका चिली गार्लिक मैगी बनाने का वो मेरा आइडिया था मैंने आपको दिया आपने वो फॉलो कर लिया पूरा सेम टू सेम बट अब ऐसा है ना कि किसी को उस लेवल का स्पाइस नहीं खाना है फाइन या हो सकता है कि किसी को उससे ज़्यादा स्पाइस खाना है हो सकता है किसी को सूपी नूडल्स चाहिए तो क्या आप कोई वेरिएशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपको खुद से अपना अपना हैंड रिटन आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं कि आपको इतना कप वाटर यूज़ करना है आपको ये ये इन्ग्रीडियंट्स यूज करना है आपको चिली फ्लेक्स डालनी है आपको गार्लिक डालना है ये करना है वो करना है वो मैंने आपको वैल्यूज़ खुद से दी तो जब मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ और उसका एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकल के आता है उसी को नॉमिनल मिक्स बोलते हैं आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सक रहे हैं ठीक है जैसी जैसी चीज़ें बोली गई हैं वही रिजल्ट अप्रोप्रिएटली निकल के आएगा कॉपी पेस्ट फाइन इसके लिए क्या मेरे को वहाँ खड़े रहकर आपको गाइड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा मैंने आपको रिज़ल्ट दे दिया यू डोंट नीड मी तो नॉमिनल मिक्स में डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको डिज़ाइनर की जरूरत नहीं होती है एक इंसान को गाइड करने की आपको जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपको दी गई है चार्ट शीट में वैल्यूज आप उतना उतना प्रोपोर्शन यूज करिएगा और कंस्ट्रक्शन करते जाइएगा फाइन चलिए तो आगे आते हैं सबसे पहले देखिए नॉमिनल मिक्स में क्या है ऑल इन्ग्रीडियंट्स आर प्रिस्क्राइब पहले से बता दिया गया है कि उनका क्या प्रपोशन होने वाला है फाइन सब कुछ स्पेसिफिकली बता दिया गया है पहले से अब क्या है अन थोड़ा सा रिलेटिवली अन जगहों पे इनका यूज किया जाएगा फाइन अगर आपको मास्टर शेफ में जाना होगा तो आप वहाँ जाके मेरी बताई हुई मैगी नहीं बनाएंगे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मतलब इसका आउटकम जो है वो आपको पता है कि आप इसमें कुछ भी ना तीन पाँच नहीं कर सकते आप इसमें अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते आपको अगर कोई डिमांड सामने से रख दी जाएगी आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप इसको अनइम्पॉर्टेंट जगहों पर यूज़ करते हैं ठीक है यूज फॉर ग्रेड्स ऑफ एम ट्वेंटी और लेस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका नॉमिनल मिक्स है उसको आप एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ कंक्रीट या उसके कम के लिए यूज़ करेंगे फाइन आइए यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज़ आपके सामने दिया हुआ है ये देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन मुझे दे दी गई है ये प्रोपोर्शन आपको सारी की सारी याद रखनी होगी याद रखना बड़ा ईजी है आप देखिए कि ये जो चीज़ें यहाँ पे तो सब कुछ वन है यानी जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है उसका प्रोपोर्शन तो वन होने वाला है जो आपका फाइन एग्रीगेट है उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसका ठीक डबल कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन होता है ठीक है तो ये जो फर्स्ट चीज़ बता रही है ये रेशियो बताती है आपके बाइंडिंग मटेरियल यानी सीमेंट की सेकेंड जो बताता है वो रेशियो बताता है आपके फाइन एग्रीगेट का और थर्ड जो आपको बताता है वो बताता है आपके कोर्स एग्रीगेट का देखिए फाइव का डबल टेन थ्री का डबल सिक्स टू का डबल फोर वन पॉइंट फाइव का डबल थ्री वन का डबल टू तो आपको डबल करना है बस याद रखना बहुत ईजी होने वाला है एम फाइव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए देखिए आपके पास प्रपोशंस गिवन है एम टेन के लिए आपको प्रपोशन गिवन है एम फिफ्टीन ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आप कितना वाटर लोगे किस रेशियो का आप फाइन एग्रीगेट लोगे और किस वाटर नहीं किस रेशियो का आप सीमेंट लोगे किस रेशियो का फाइन एग्रीगेट और किस रेशियो पे आप उसमें कोर्स एग्रीगेट लोगे वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे गिवन दे दी है मैम मुझे क्लास परचेज़ करना है तो करिए और करके परचेज़ मुझे भी दे दीजिए किसकी क्लास परचेज करनी है मैं कहाँ से करवाऊँ मैम जॉब के साथ कितने आवर्स देने पड़ेंगे फॉर क्लियरिंग जेई ट्वेंटी मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता आर्ट्स वार्ट हाउ कैन आई टेल वो तो लोगों की अपनी क्या बोलूँ मैं अबिलिटी होती है टू ग्रास्प थिंग्स एंड एवरी थिंग एल्स ना तो मुझे कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को नहीं लगता होगा तो वो तो बिल्कुल आपका खुद का वो होना चाहिए क्या होना चाहिए खुद का खुद का आइडिया होना चाहिए और आप इतना सिलेबस देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं तो उतना एफर्ट लगाइए तो ये देखिए ये मैंने आपको दे दिया क्या मैंने आपको फिक्स्ड प्रोपोर्शन दे दिया ठीक है मैंने आपको फिक्स प्रोपोर्शन दे दिया और ये पूरे का पूरा फिक्स प्रोपोर्शन यहाँ पे आकाश uh, पांडे अगर आप मेरे सेशन uh, के बारे में बात करें तो ये यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और मेरा कोई पेड कोर्स कहीं पे नहीं है तो मैं मेरा कोई कोर्स आप नहीं ले सकते हैं किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे तो मुझे आइडिया नहीं ठीक है ठेका? तो ये देखिए मेरे पास आ गया यहाँ पे एडमिक्शर फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट उसका रेशियो मुझे दे दिया गया है क्या मुझे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ पूछ सकते हैं देखिए दे दिया पूछ लिया आपसे क्वेश्चन यहाँ से ग्रेड एम ट्वेंटी के लिए नॉमिनल मिक्स क्या है एम ट्वेंटी के लिए नॉमिनल मिक्स क्या है बताइए सोच के जल्दी से सोच के बता दीजिए मुझे डी है बिल्कुल सही डी है देखिए कैसे डी बोल रहे हैं एम ट्वेंटी ग्रेड के लिए देखिए दिया है मैंने एम ट्वेंटी ग्रेड के लिए रेशियो है is is है क्या ऑप्शन में हाँ बिल्कुल है डी करेक्ट क्वेश्चन आगे गई बात समझ में क्या बताया मैंने अभी तक समझ में आया आ गया समझ में तो थोड़ा आगे मूव करती हूँ यहाँ टेबल नंबर नाइन ना आना चाहिए था कहाँ है टेबल नंबर नाइन टू मोर मिनट्स टेबल नंबर नाइन क्या है I think that's screenshot. Oh, shit. ये होना चाहिए था यहाँ पे एक मिनट दीजिए मुझे लिख देते हैं ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट दो मिनट दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा इसलिए इसको बता रही हूँ अलग से एम फाइव एम सेवन पॉइंट फाइव एम टेन एम फिफ्टीन अंदर एम ट्वेंटी ये बता रहा मुझे टोटल क्वान्टिटी ऑफ ड्राई एग्रीट ये आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा अच्छे से वो जो आपकी कोडल प्रोविजन का जो टेबल है वो आपके पास ऐड हो जाएगा उसका टेंशन मत लीजिए ये मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिख दिया है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ ये ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट्स हैं आपके पास एम फाइव से लेके एम ट्वेंटी रख दिए हुए हैं देखिए आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछ रहा है देखिए यहाँ पे कि टोटल क्वान्टिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट कितना होने वाला है वाटर ऐड नहीं है अभी ड्राई एग्रीगेट कितना होगा किस केस में अगर 50 के जी ऑफ सीमेंट है 50 के जी ऑफ सीमेंट है तो फिर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना डलेगा उसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का कम्बाइंड वैल्यू है ये ठीक है तो पर 50 के जी ऑफ सीमेंट में कितना आप फाइन और कोर्स एग्रीगेट डालने वाले हैं रिस्पेक्टिव ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट के लिए उसकी वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएगी फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए हुए हैं और हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगर आपके पास 50 के जी ऑफ सीमेंट आपने यूज़ किया है मिक्सचर बनाने के लिए तो 50 के जी ऑफ सीमेंट में आप कितना ड्राई एडमिक्स ड्राई एग्रीगेट डालेंगे ड्राई एग्रीगेट क्या है फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 के जी सीमेंट में आप एम फिफ्टीन ग्रेड के कंक्रीट के लिए कितना ड्राई एग्रीगेट डालेंगे तो आप बोलेगा थ्री थर्टी का ड्राई एग्रीगेट डालेंगे यानी थ्री थर्टी के जीज का फाइन फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट थ्री थर्टी प्लस आपके पास कितना है फिफ्टी के जी का आपके पास यहाँ पे क्या है सीमेंट है आई बात समझ में किस केस की बात हुई है एम फिफ्टीन ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट की बात हुई ऐसी ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज करेगा उसके रिस्पेक्ट में आपसे ड्राई एग्रीगेट की वैल्यू पूछ लेगा पर फिफ्टी के जी ऑफ सीमेंट के लिए आपको इतनी वैल्यू ड्राई एग्रीगेट उसमें यूज़ करना है ये पहला टॉपिक पता हो गया दूसरा टॉपिक आपसे पूछेगा कि पर फ़िफ्टी के जी ऑफ सीमेंट के लिए कितना वाटर यूज़ करना है तो देखिए मैंने आपको वाटर की भी वैल्यू दे दी कि आपको पर 50 के जीज के लिए कितना वाटर यूज़ करना है ग्रेड के हिसाब से आपके लिए या तो बोल देगा डायरेक्टली 50 के जीज या तो बोल देगा 100 के जीज तो आपको डबल करना होगा या आपको बोल देगा पर बैग ऑफ सीमेंट तो आपको पता होना चाहिए एक बैग ऑफ़ सीमेंट में फिफ्टी के ही होता है तो फिफ्टी के है और अगर आपको बोल दिया ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया कोई वैल्यू तो आपके लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए टेबल नंबर लाइन लाइफ में पहली बार देख रही देख रहा हूँ हाँ आज देख लीजिए आज बहुत कुछ देखेंगे जो आप लाइफ में पहली बार देख रहे हैं जी आकाश पांडे ठीक है तो देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन अब इसका क्वेश्चन मेरे को ऐड है इसमें ये देखिए क्यों दिया मैंने वो टेबल इसलिए दिया रीड करिए क्वेश्चन दिया मैंने वो क्वेश्चन रीड करके बताइए ये वाटर किसमें यूज करना है कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं ना उसमें यूज करना है क्या बोलते हैं उसको वो जो मसाला बना रहे हैं कंक्रीट का उसमें यूज करना है थ्री हंड्रेड के जीज ठीक है थ्री हंड्रेड के की बात हो रही थी ठीक है अच्छा माइल्ड ये एक्सपोजर वाला केस है ठीक 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 है थीक है थीक है, थीक है ये एक्सपोजर वाला केस है ये वाला केस नहीं है यहाँ वाला क्वेश्चन नहीं वो पुराना वाला क्वेश्चन आ गया जहां पे मैंने आपको एक्सपोजर के लिए बताया था ये देखिए कौन सा टेबल से क्वेश्चन आ, आ गया आपका वो वाला दिखा देती हूँ थोड़ा ये देखिए माइल्ड एक्सपोजर के लिए कितना होना चाहिए आपका थ्री हंड्रेड ये तो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है पूछा क्या है आपसे सीमेंट कंटेंट ही पूछा है सीमेंट कंटेंट ही पूछा है देखते हैं हाँ सीमेंट कंटेंट पूछा है ठीक बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो ठीक है ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रीड किया था शायद यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया उसमें क्या पूछा हुआ था उसमें पूछा था कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना लोगे आप फॉर वन बैग ऑफ सीमेंट के लिए तो वन बैग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है 50 के जी सी होता है और दूसरी चीज़ उसने बोला था कि किसके लिए एम ट्वेंटी ग्रेड के लिए देखिए एम ट्वेंटी ग्रेड के लिए मुझे कितना वाटर लेना था थर्टी लेना था थर्टी तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसलिए आपको ये टेबल मैंने बताया है है ना इसलिए मैंने आपको ये टेबल बताया है एक मिनट दीजिएगा चलिए ठीक है चलो सैम्पलिंग अभी बता दूं क्या आगे देखेंगे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देखो चलो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आज तो हम सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर रहे हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब करके जाएंगे आज मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या बताती है ये आपको देता है रेशियो किसका रेशियो देता है एक्जियल स्ट्रेस टू एक्जियल स्ट्रेन जो भी आपके कंक्रीट पे आ रही है अब अपटू कहाँ तक आपके इलास्टिक रेंज तक उस रेशियो को आप बोलते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी या इसको ये भी बोल सकते हैं कि आप अगर स्लोप निकालेंगे किसका स्ट्रेस ट्रेन कर्व का किसके कंक्रीट के स्ट्रेस ट्रेन कर्व का अगर स्लोप निकालेंगे किसी भी गिवन पॉइंट पर तो वो आपको मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देती है फाइन एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन का रेशियो भी आपको मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देगा यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी या फिर अगर आप बात करेंगे कि क्या स्लोप अगर निकालेंगे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आपके कंक्रीट का तो भी वो आपको यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देगा अब देखिए जो आपका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो दो टाइप का है किन किन टाइप का है पहला है आपका टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा है आपका सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड सी ई सी नहीं एस ई सी ए एन टी

जो कि है आपका एक्जेल स्ट्रेस अपॉन एग्जेल स्ट्रेन ये दो टाइप का है कौन कौन से दो टाइप का है एक है आपके पास टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक है आपके पास सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये दो टाइप का है इसमें से एक को आप बोल देंगे नॉर्मल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरे को इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो यहाँ से पूछ लेगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ से आइए टेंजेंट मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊंगी अभी आपका स्ट्रेस ट्रेन कर्व जो बनेगा आपके कंक्रीट के लिए उसमें अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि टेंजेंट मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है तो वो होता है इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन कर्व स्ट्रेस ट्रेन कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट खींच के अगर स्लोप निकालेंगे उस टेंजेंट का तो आपको क्या पता चल जाएगा आपको उसकी टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चल जाएगी और देखिए मैंने उसको लिखा भी है इंक्रीज इन स्ट्रेस टू इंक्रीज इन स्ट्रेन ये देखिए मैंने यहाँ निकाल के आपके लिए रखा हुआ है ये जो वाइट वाली चीज दिख रही है आपको जिसको अब आप मैं पिंक कर देती हूं ये ये क्या है आपका ये आपको मैंने दिखा दिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका दिखाया कंक्रीट का दिखाया किसी भी पॉइंट पे आप क्या करिए स्लोप निकाल दीजिए अपने कर्व का तो ये लीजिए मैंने इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया यहां पे स्लोप निकाल दिया ये लीजिए यहां पे स्लोप निकाल दिया ये जो मेरा स्लोप निकला इसको मैंने क्या बोला टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला तो ये मुझे क्या दिखा रहा है ये मुझे इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बता दीजिए मुझे यहां से देख के किसी भी पॉइंट में मैं इसको ड्रॉ करके निकाल सकती हूँ अपना टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइन बोलो ये देखिए क्या था मेरा स्लोप निकालना था मुझे किसका स्लोप टेंजेंट का कहीं पे भी आपके स्ट्रेस ट्रेन कर्व पे आप लाइन खींच दीजिए और उसका स्लोप निकाल लीजिए उसको बोलिएगा आप टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं अभी आपको और बेटर समझ में आएगा अगर मैं आपसे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो ये आपको क्या देता है ये आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट दी ओरिजिन अगर आपको ओरिजिन पे अगर आप टेंजेंट खींच के उसकी स्लोप निकालते हैं तो उसको इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी बोलते हैं फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा इनिशियंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन इंक्रीज इन स्ट्रेन कहाँ पे एट दी ओरिजिन तो अगर आप ओरिजिन पे निकाल रहे हैं तो उसको आप बोल देंगे इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी अगर आप ग्राफ में कहीं पे भी निकाल रहे हैं तो आप उसको बोल देंगे टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी थर्ड है आपके पास सेकेंड मॉडलर्स ऑफ इलास्ट्रिसिटी सेकेंड दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ये देखिए इनिशियल पर मैंने क्या किया ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है वो खींची मैंने एक टेंजेंट खींची और उससे क्या निकाला मैंने स्लोप निकाल दिया ये देखिए स्लोप निकाला मैंने थीटा आई टी थीटा आई टी मतलब क्या निकाला मैंने इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लिया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ पे निकालते हैं ओरिजिन पे निकालते हैं सिर्फ टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ निकालते हैं कर्व में कहीं पर भी निकालते हैं अब लास्ट जो आपके पास सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या देता है देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक मॉड्यस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस्ट्रेन कर्व टू दी ओरिजिन इज कॉल्ड एज सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी पॉइंट को खींच के आप क्या कर रहे हैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए हैं किसी भी पॉइंट को ये जो ब्लू वाली लाइन है वो मुझे क्या दे रही है स्लोप दे रही है किसका सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये लीजिए ओरिजिन से कोई भी पॉइंट में खींच दी ये देखिए अपने कर्व पे और उसका मैंने क्या निकाल दिया स्लोप निकाल दिया ओरिजिन से कोई भी पॉइंट मैंने खींच दिया अपने कर्व पे और उसका क्या निकाल दिया मैंने स्लोप निकाल दिया दैट गिव्स मी दी सेकेंड मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है ये आपको क्या दे देगा ये आपको टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन दे दे रहा है क्योंकि आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पे लाइन खींच के उसका स्लोप निकाल के दे दे रहे हो मुझे तो ये मुझे टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देता है क्या सेकंड वही जो सबसे पहले आपने देखा था टेंजेंट मॉडल ऑफ इलास्ट्रिसिटी टेंजेंट मॉडल ऑफ इलास्ट्रिसिटी क्या था किसी भी पॉइंट पे आप इंक्रीज इन स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल सकते थे उसके बाद आपने देखा इनिशियल तो आप इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ओरिजिन पे निकाल सकते थे और सेकेंड पे आप टोटल निकाल सकते हो आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में कि ज्ञान पूरा मैंने आपको दे दिया बट इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है नहीं मतलब ज्ञान की ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बट कोर्ट ने बोल दिया आई ए एस ने बोला कि ये सब फालतू का ज्ञान यहाँ पर मुझे मत दो मैं डायरेक्टली मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला दे रहा हूँ ये देखिए डायरेक्टली आपके सामने मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जीवन भर याद होना चाहिए फाइव थाउजेंड रूट ओवर एफ सी के आपके सामने गिवन है अब आप बात करिए चाहे स्टील की या बात करिए कंक्रीट की ये वैल्यू वैल्यू पे कोई आपका लेना देना नहीं है आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास फाइव थाउजेंड रूट ओवर एफ सी के होने वाला है ठीक ये आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स को मैंने आपको दिखा दिया आप निकाल सकते हैं बट वो सारी क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं आपको पहले स्ट्रेस ट्रेन कर ड्रा करना होगा उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ निकालनी होंगी बट आपको तो डायरेक्टली यंग्स मॉडलर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास ऑलरेडी है सेकेंड एक्सप्लेन करिए वापस से ये लीजिए सेकेंड यहाँ यही तो है सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आपको टोटल इंक्रीज़ देता है आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन का टोटल इंक्रीज बता देता है ये देखिए अगर मैंने ये लिया और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया कंक्रीट का ऐसा बन गया अब अगर मुझे कहीं पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना होगा किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन से लूँगी और उसकी उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी ये देखिए ये मुझे दे देगा टोटल इंक्रीज़ इन स्ट्रेस अपॉन टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन यहाँ का स्लोप निकाल दिया मैंने ये मेरे को मिल गया सेकेंड सेकेंड मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी अगर ये नहीं तो ये लीजिए ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया मैंने मुझे टोटल मिल गया ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट uh, कर दिया मैंने मुझे टोटल मिल गया औरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया मैंने मुझे टोटल मिल गया किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना के मैंने स्लोप निकाल दिया तो मुझे टेंजेंट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया अगर ओरिजिन पे मैंने स्लोप बना के मतलब टेंजेंट बना के स्लोप निकाल लिया तो मुझे इनिशियल इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया आ गई बात समझ में सेकेंड टोटल टेंजेंट किसी पॉइंट पे और इनिशियल सिर्फ ओरिजिन पे माइल्ड स्टील कर्व की बात क्यों करेंगे जब मैं यहाँ आपसे बात कंक्रीट की कर रही हूँ अभी मैंने स्टील का नाम लिया क्या आपसे फाइन ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं तो ये आपको वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्या है मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए फाइव थाउजेंड रूट ओवर एफ सी के एफ सी के अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा अब आ जाइए कि नई चीज़ के बारे में बात करते हैं क्रीप के बारे में क्रीप क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले याद देखिएगा ये टाइम डिपेंडेंट है पहली चीज़ याद रखिएगा ये टाइम डिपेंडेंट है होता क्या है मैं आपको अभी एक चीज़ बना के दिखाती हूँ तो शायद आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा फिर डेफिनेशन रीड कर दूँगी जो मेरा कोई बीम था और मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया लोड लगा दिया मेरा कोई बीम था और मैंने उसके ऊपर लोड लगा दिया है फाइन अगर मेरे भीम के ऊपर मैंने लोड लगा दिया तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा कुछ बता सकते हैं क्या सबसे पहले मेरे साथ क्या होने वाला है आप बता पाओगे मुझे सबसे पहले क्या होने वाला है मेरे साथ ये देखिए ये क्या है ये आपका लेंथ ऑफ सेक्शन है ठीक है बताइए क्या होगा यहाँ पे आपने लोड लगा दिया है बस मुझे जल्दी से बता दो। डिफॉर्मेशन आएगा ठीक है आपने बोला डिफॉर्मेशन आएगा तुरंत दिखा देती हूँ मैं डिफॉर्मेशन आते हुए कौन से कलर से दिखा दूँ ग्रीन से दिखा देती हूँ ये डिफॉर्मेशन आ गया ये जो डिफॉर्मेशन आया इसको मैंने डी बोल दिया क्या मैं इसको इलास्टिक स्ट्रेन बोल सकती हूँ क्या जल्दी बताइए मुझे क्या मैं इसको इलास्टिक स्ट्रेन बोल सकती हूँ ये जवाया है इलास्टिक स्ट्रेन बोल सकती हूँ फ़ाइन इलास्टिक स्ट्रेन बोल दिया मैंने स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या मैं इलास्टिक स्ट्रेन को डी एल अपॉन एल लिख सकती हूँ येस और नो जल्दी बताइए मुझे ठीक है लिख सकती हूँ इसके बाद भी कुछ होगा क्या अभी देखिए मेरे पास इलास्टिक स्ट्रेन आया है अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने लोड हटा लिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन हो जाएगा अभी तक बट अब मैंने क्या बोला ये लोड लगा हुआ है और अब टाइम बढ़ रहा है फाइन अब आपके पास टाइम बढ़ रहा है ये जो लोड लगा था टाइम टी इज इक्ल टू ज़ीरो पर लगा था अब मैं आपको कह रही हूँ टाइम टी इज इक्वल टू वन पे टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पे अब क्या हो रहा है ये देखिए क्या ये और ज्यादा डिफॉर्म होगा यस और नो ये और डिफॉर्म होगा हाँ होगा ठीक है तो इसको मैंने बोल दिया डीएक्स बोल सकती हूँ ये जो आपका इनिशियली तुरंत डिफॉर्मेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ था वो इस लोड की वजह से हुआ था जो तुरंत इलास्टिक स्ट्रेन आपको देखने के लिए मिला अब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ये जो लोड लगा हुआ है उस लोड की वजह से ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन धीरे 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 आपके स्ट्रक्चर में होता जाएगा वही हो रहा है तो क्या मैं अब इसको क्रीप स्ट्रेन बोल सकती हूँ क्या क्रीप स्ट्रेन बोल सकती हूँ क्योंकि एक बार जो क्रीप होना शुरू हो गया यानी आपका स्ट्रक्चर अब जब डिफॉर्म होना शुरू हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कभी अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं जाएगा इट इज वन ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये तो आपका जो था ये क्या था ये तो नॉन परमानेंट था अगर लोड हटा लेते तो इलास्टिक स्ट्रेन वापस चला जाता अपनी इनिशियल पोजिशन पर बट अब क्रीप आ गया है क्रीप अब कभी अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आपके स्ट्रक्चर को नहीं जाने देगा क्या मैं क्रीप स्ट्रेन को डी एक्स बाई एल लिख सकती हूँ क्या जल्दी बोलिए डीएक्स बाई एल लिख सकती हूँ क्या जल्दी बोलिए सफिशिएंट है मीनाक्षी अब अगर मैंने क्या किया अब टाइम जाते जा रहा है जाते जा रहा है जाते जा रहा जा है आपको तो पता है कि क्रीप को कंप्लीट होने के लिए एजेस लगेंगे कोई कहीं पे भी आपने किसी बुक में पढ़ा है क्या ये एकदम इस वक्त पे इतना क्रीब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर कभी क्रीप नहीं आने वाला ऐसा कुछ होता है क्या कभी नहीं तो आपको पता है एजेस लग रहे हैं आपको तो मैंने कुछ टी इज इक्वल टू टी मैक्स पे ले लिया तो अब जो मेरा क्या हुआ होगा क्रीप की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा वो बोल सकती हूँ तो ये लीजिए इसको मैंने बोल दिया डी वाई आगे बात समझ में तो अब मैं क्या इसको अल्टीमेट स्ट्रेन बोल सकती हूँ क्योंकि मैं टाइम टी इज इक्वल टू टी मैक्स पे कर रही हूँ अल्टीमेट स्ट्रेन पे अगर मैं देखूँगी तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ डी वाई बाई एल आप देख लीजिएगा डी वाई कहाँ पर है आप देखो ये डी वाई कहाँ पर है ये पूरा आप क्या है टोटल जो आपके पे चेंज आया क्रीप की वजह से वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपको अल्टीमेट स्ट्रेन मिल गया आपको इलास्टिक स्ट्रेन क्रीप स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन तीनों अलग अलग समझ में आया कि नहीं आया मुझे जल्दी बताइए आ गया ना फाइन अगर आ गया तो इसके बाद आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए उससे पहले रीड कर लेते हैं क्या है इट इज़ द परमानेंट डिफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यू टू द सस्टेन लोड ऑफ अ फॉर अ लॉन्ग टाइम आप एक लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपके स्ट्रक्चर के किसी एक पार्ट में लोड कंटिन्यूसली लग रहा है तो कंटिन्यूस लोड लगने की वजह से ग्रेजुअली विथ टाइम धीरे धीरे उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा उसको क्रीप बोलते हैं ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है अगर आपने लोड हटा भी दिया तो क्रीप की वजह से जो डिफॉर्मेशन आया है वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजिशन को रीगेन नहीं करता है इट्स इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसका इफेक्ट को अगर आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ कर लीजिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट अगर आप यूज करेंगे तो क्रीप का इफेक्ट कम देखने के लिए मिलेगा दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि रे इन्फोर्समेंट यूज़ करिए ठीक है रे इनफोर्समेंट यूज करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके सेक्शन की या स्टीम क्यूरिंग करिएगा अंडर प्रेशर तो भी आपके क्रीप के इफेक्ट को आप स्ट्रक्चर से कम कर सकते हैं ऑफकोर्स डिसडवांटेज है है ना क्योंकि आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है आपके सेक्शन में विथ टाइम टाइम के साथ टाइम के साथ क्या क्रीप बढ़ते जाएगा या नहीं बढ़ेगा देखते हैं आगे आइए आपको पता होना चाहिए क्रीप कोइफिशियंट क्रीप को इफिशियंट का मतलब क्या होता है बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए देखिए पढ़िए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन यहाँ पे क्या था डी वाई बाई एल था ठीक है डी वाई बाई एल था और इलास्टिक स्ट्रेन क्या था डी एल बाई एल था ये लीजिए तो ये आपको क्या देता है क्रीप को इफिशियंट देता है तो आपको रेशियो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आप सही पे टिक कर पाए दैट्स इट क्रीप को इफिशियंट का डेफिनेशन आपको पता चल गया अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होता है पता चल गया आपको अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है पता चल गया आपको अगर आपसे टोटल स्ट्रेन पूछा जाए तो याद रखिएगा इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको टोटल स्ट्रेन देगा टोटल हाँ टोटल स्ट्रेन देगा अभी जो क्रीप को है क्या इसकी कोई वैल्यू मुझे पता है हाँ मुझे इसकी पूरी वैल्यू कोड ने दे दी है कोड ने ना मुझे टाइम के हिसाब से क्रीप को की वैल्यू दे दी है इतने दिन लोडिंग लगने के बाद आपका क्रीप को क्या होगा इतने दिन लोडिंग लगने के बाद आपका क्रीप को क्या होगा और इतने दिन लोडिंग लगने के बाद आपका क्रीप को क्या होगा अगर सेवन डेज तक लोड लग रहा है तो आपका क्रीप क्रीप कोफिशियंट टू टू है अगर ट्वेंटी एट डेज तक कंटिन्यूसली लोड लग रहा है तो क्रीप को एफिशियंट वन है और वन ईयर तक अगर लोड लग रहा है तो आपका क्रीप को इफिशियंट है आई बात समझ में बिल्कुल बिल्कुल पहले वो अल्टीमेट किस कंडीशन में है इलास्टिक कंडीशन में है और उसके बाद फिर वो प्लास्टिक सिचुएशन में आ जा रहा है टाइम के साथ क्रीप बढ़ेगा बट क्रीप को कम होगा थोड़ा सा देख के बता दीजिए हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की आपने जिसने भी किया आ, टावर ऑफ पावर थोड़ा बताइए मुझे ये आपको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है क्या आपका टाइम के साथ क्रीप बढ़ता है या टाइम के साथ क्रीप कम होता है क्रीप कोईफ़िशेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि विथ टाइम क्रीप बढ़ता है या कम होता है dy डी ही होगा मोइनुल हक वो एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी ली थी मैंने वो अलग ले ली थी इसलिए आप जो आंसर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं विथ टाइम क्रीप बढ़ेगा अच्छा आपको तो विथ टाइम यहाँ पे क्रीप को कम होते हुए दिख रहा है फिर कैसी बात कर रहे हैं आप विथ टाइम क्रीप इंक्रीजेस बोल रहे हैं आप क्रीप को इफिशियंट की वैल्यूज देखिए और उसके बाद जज करिए विथ टाइम क्रीप को इफिशियंट की वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है विथ टाइम तो आपका क्रीप को इफिशियंट की वैल्यू कम होते जा रही है याद रखिएगा कि कितना भी टाइम जाते जाएगा क्रीप की वैल्यू बढ़ते जाएगी बट रेट ऑफ़ क्रीप कम होते जाएगा समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ क्रीप की वैल्यू तो विथ टाइम बढ़ते जाएगी धीरे 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 क्रीप बढ़ेगा बट रेट ऑफ़ क्रीप जो है वो कम होते जाएगा रेट ऑफ़ क्रीप का मतलब क्या समझ में आता है कि जैसे लोड लगा इनिशियली क्रीप जो जिस स्पीड में एक्ट uh, कर रही होगी वो ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम होते जाएगी तो मैक्सिमम क्रीप जो होगा आपका वो इनिशियल स्टेजेस में होगा और बाद में भी क्रीप एक्ट कर रहा है लेकिन उधर रेट ऑफ क्रीप आपका कम है बिल्कुल क्रीप बढ़ रही है क्रीप को कम हो रहा है विथ टाइम रेट ऑफ क्रीप भी विथ टाइम कम हो रहा है रेट ऑफ क्रीप मतलब जिस स्पीड से पहले आपका समझ लो क्रीप हो रहा था बिल्कुल रेट ऑफ क्रीप कम होगा बट क्रीप बढ़ रहा है तो वो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए चलिए आगे चलते हैं ये पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप को इफिशियंट फॉर कंक्रीट इंक्रीजेस विथ सॉरी इंक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज टेकन एज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री जल्दी से आंसर कर दीजिए बी, 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 बिल्कुल डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग चलिए आगे चलते हैं अब देखिए शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात जब मैंने आपसे की थी शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिस जो मैंने आपको मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया था उसको शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं क्यों शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं सुन पाओगे क्या बता देती हूँ देखिए शॉर्ट टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें मैं क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करती थी जब मैंने आपसे बात की थी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की तो मैंने क्रीप वर्ड यूज नहीं किया था तब मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी मैंने पहले पढ़ाया फिर आई मैं आपके पास क्रीप में स्विच करने के लिए तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जब मैं पहले आपको बता रही थी वहाँ पे मैंने आपको दे दिया मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइव थाउजेंड रूट एफ़ सी के बात खत्म लेकिन अब मैंने आपको क्रीप पढ़ा दिया है अब जब क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करना होगा तब मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसको आप लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बोलने लगेंगे और ये देखिए आपको वैल्यू दे दी मैंने पहले जो था फाइव थाउजेंड रूट एफ सी के वो तो रहेगा ही अपॉन वन प्लस थीटा आ जाएगा थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा की वैल्यू होती है क्रीप कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में आपने वो टेबल में देख रखी है फाइन तो आपको शॉर्ट टर्म की बात करें आपसे बनना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म की बात करें आपको बनना चाहिए फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो टाइम जो भी दिया होगा उसको रिस्पेक्ट में रखते हुए आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे एफ के आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख के पुट कर लोगे आपको मिल जाएगा वैल्यू लॉन्ग टर्म मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी का आगे मूव करते हैं आगे देखिए और थोड़ी सी बात श्रिंकेज के बारे में करते हैं श्रिंकेज के बारे में पता होना चाहिए अगर क्रीप पढ़ रहे हैं तो श्रिंकेज भी पढ़ेंगे श्रिंकेज का मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कम हो रहा है श्रिंक हो रहा है वो ये बात तो समझ में आ रही होगी लिखा क्या है देखते हैं द रिडक्शन इन लेंथ ऑफ मेंबर ऑफ कंक्रीट पर यूनिट लेंथ ड्यू टू ड्राइंग इज कॉल्ड श्रिंकेज देखिए जो भी वाटर है ना आपके कंक्रीट से वो किसी तरीके से कम हो रहा है और जब वाटर कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है श्रिंकेज श्रिंकेज क्यों हो रहा है क्योंकि आपका जो कंक्रीट मिक्स है वो ड्राई हो रहा है ड्राई होगा तो धीरे से वो क्या करेगा श्रिंक कर जाएगा उसकी लेंथ कम हो जाएगी तो रिडक्शन इन लेंथ को श्रिंकेज बोलते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रख लीजिएगा जब डिज़ाइनिंग करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन लेते हैं 0.003, पॉइंट जीरो जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री फाइन ये आपका कोडल प्रोविजन वाला पॉइंट uh, आपको अच्छे से याद होना चाहिए डिजाइनिंग के लिए आप अल्टीमेट जो लेंगे अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन लेंगे उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 थ्री या आप स्टार मार्क कर लीजिएगा वन मार्क में पूछ लेगा अब देखिए श्रिंकेज मैंने आपको क्या बताया श्रिंक होना जो आपके दिमाग में इमेजिन हो रहा है वही होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस होते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ श्रिंकेज देखिए आपके सामने दिखाती हुई प्लास्टिक श्रिंकेज प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है इसी को इंस्टेंटेनियस श्रिंकेज भी बोल सकते हैं आपने अपना कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर किया और उसको कास्ट किया जहां पे लगाना था वहां पे यूज किया उस कंक्रीट को और वहां पे तुरंत क्या हुआ वाटर एब्जॉर्ब हो गया कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा ये देखिए इवापोरेशन हो गया अगर तुरंत वहां से आपके कंक्रीट के सरफेस में जो वाटर था वो इवापोरेट हो गया और उसकी वजह से जो श्रिंकेज डेवलप हुआ उसी को बोल देते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज या उसी को बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस श्रिंकेज तुरंत हो जा रहा है आपने कंक्रीट मिक्स बनाया उसको प्लेस किया और सरफेस से वाटर इवापोरेट हो गया और श्रिंकेज हो गया लिखा हुआ है दिस श्रिंकेज टेक्स प्लेस ड्यू टू तो लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन तो आपको स्टेटमेंट में पूछ लेगा चार श्रिंकेज बता रही हूं इवापोरेशन से कौन सा श्रिंकेज होता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा श्रिंकेज इवापोरेशन से होगा इवापोरेशन की वजह से हुआ कहाँ से वाटर इवापोरेट हुआ आपकी कंक्रीट के सरफेस से ही वाटर इवापोरेट हो जाएगा एज सुन एज कंक्रीट इज प्लेस्ड जैसे ही आपने कंक्रीट को प्लेस किया कहाँ पे अपने फोम वर्क में और कंक्रीट कहाँ है अभी आपका कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में है फाइन अभी आपका कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में है क्लास कब तक चलेगी क्लास कब तक चलेगी क्लास चलेगी फिफ्टीन मोर मिनट्स फिफ्टीन नहीं फिफ्टीन मोर मिनट्स ठीक है अब उसके बाद आइए नेक्स्ट ड्राइंग श्रिंकेज देखने के लिए ड्राइंग श्रिंकेज सेकेंड टाइप ऑफ श्रिंकेज है ड्राइंग श्रिंकेज में क्या होता है दिस श्रिंकेज ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी वॉइड्स ऑफ द कंक्रीट जो जेल जेल वाटर होता है वॉइड्स में जो आपके वाटर हैं वो अगर आपके चले जाएँ और उसकी वजह से जो श्रिंकेज होगा उसको आप बोल दीजिएगा ड्राइंग श्रिंकेज इससे पहले जो हो रहा था वो सरफेस पे जो वाटर था वो जा रहा था इवापोरेशन के थ्रू यहाँ पे जो वाटर जा रहा है वो क्या हो रहा है ये वाला वाटर आपके वॉइड से जा रहा है और एज द ग्रेड हाँ अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव होता है और अगर आपका साइज़ ऑफ कंक्रीट आप बड़ा ले रहे हैं तो आपका श्रिंकेज रिड्यूज़ हो जाएगा ठीक है अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप बड़ी ले रहे हैं और साइज ऑफ कंक्रीट साइज़ ऑफ हाँ आप अपना कंक्रीट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो श्रिंकेज है उसकी वैल्यू रिड्यूज़ होने लगेगी ये अगर आपसे स्टेटमेंट में ले लिया एक स्टेटमेंट में ट्रूफॉल्स वाले में यानी वन करेक्ट टू करेक्ट वाले में तो ये आपको पता होना चाहिए थर्ड टाइप ऑफ श्रिंकेज पढ़िएगा ये आपका ऑटोजीनियस श्रिंकेज ये श्रिंकेज आपका कब होता है कोई मॉइस्चर का मूवमेंट आपको अलाउड नहीं है आपके वॉइड्स के बीच में बट जो वाटर आपने ऐड किया था सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए उस प्रोसेस के लिए जो वाटर ऐड किया गया था वो अगर उड़ जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोजीनियस श्रिंकेज फिर से बताती हूँ सरफेस पे वाटर नहीं है वॉइड्स पे जो भी वाटर हैं उनका मूवमेंट अलाउड नहीं है बट हाइड्रेशन के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर हमने यूज़ किया था So, आपने सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के प्रोसेस का जो वाटर था वो वाटर अगर इवापोरेट हो जाए तो उसकी वजह से जो श्रिंकेज होगा उसको ऑटोजीनियस श्रिंकेज बोलते हैं फाइन इट यूजेस वाटर एडेड इन कंक्रीट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विथ इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिस श्रिंकेज इंक्रीजेस तो आपको कौन सा श्रिंकेज इंक्रीज होता है कौन सा डिक्रीज होता है ये या आपको याद रखना होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा तो ऑटोजीनियस श्रिंकेज भी बढ़ेगा नाउ कमिंग टू दी लास्ट वन कार्बोनेशन श्रिंकेज कार्बोनेशन श्रिंकेज में क्या होता है कि जो सी ओ टू प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करता है क्या मैंने यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन लिख के दी है बिल्कुल दी है ये देखिए सी ए ओ एच टॉयस ने रिएक्ट किया है आपके साथ किसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिला मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्या मैं बोलूँ जगह होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सी एच की ये कम जगह ऑक्यूपाई करता है यानी कि आपका जो एक्सेस जगह था सी ए ओ एच से वो वाली जगह आप क्या होगी श्रिंक हो जाएगी तो जब कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है और उसकी वजह से अगर आपके लेंथ में रिडक्शन होता है तो उसको कार्बोनेशन श्रिंकेज बोलते हैं आई बात परफेक्ट है, आई बात समझ में फाइन। चलिए आज क्या क्या देखा हम लोगों ने एक बार क्विकली देख लेते हैं थोड़ा सा। आज अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बचा हुआ था बट एनीस आई थिंकॉर टूडे आइए मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्टरी सेशन में अच्छा इसमें सबसे कुछ बताया नहीं आज मैंने कोई बात नहीं आगे मूव करती हूँ यहाँ पे मैंने आपके साथ आज इंट्रोडक्शन ठीक है मैंने आपको पीसीसी आरसीसी के बारे में थोड़ी सी बात की बस ठीक है मैंने आपसे पीसीसी आरसीसी के बारे में बेसिक बात की मैंने आज आपके साथ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में बात की ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के साथ मैंने आपको एक्सपोजर कंडीशन दे दिए एक्सपोजर कंडीशन के साथ साथ उसके बाद एक्सपोजर कंडीशन दे दी एक्सपोजर कंडीशन के साथ देखिए मैंने क्या दिया आपको मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ दे दी इसके बाद आगे बढ़े और हम लोगों ने एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से वही ले लिया आपने कि मिनिमम ग्रेड ऑफ़ कंक्रीट क्या यूज़ करना है पी सी दोनों के लिए आगे बढ़ गए इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि एक्सपोजर कंडीशन होते क्या हैं डिटेल में आपको लिख के दिखा दिया मैंने कि कौन सा टर्म यूज़ होगा तो आपको पता हो जाएगा इसके बाद आगे मूव करें हम लोग को पता चल गया कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करना है वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है और सीमेंट कंटेंट कितना रखना है हर एक्सपोजर कंडीशन के लिए बोथ तो आर सी सी पी सी सी सब के लिए देख लिया हम लोगों ने उसके बाद आगे बढ़े और हम लोगों ने क्या किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं देखा हम लोगों ने क्यूब टेस्ट समझने की कोशिश की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू समझ में आ गई हम लोगों को इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लिए आगे चलो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा अपना देखा ये पूरा मीन स्ट्रेंथ निकालने का पूरा तमाशा मीन स्ट्रेंथ देख लिया मैंने एफ सी के प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव सिगमा सिग्मा क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन था जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा पुअर क्वालिटी कंट्रोल है क्यों क्योंकि आप स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा वेरी होने दे रहे हो ठीक आगे मूव किए आगे मूव करने के बाद हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंडेंट है और आपको पता होनी चाहिए तभी आप मीन स्ट्रेंथ निकाल पाओगे डिजाइनिंग के लिए आपको मीन स्ट्रेंथ चाहिए आगे गए आगे आने के बाद वैल्यूज़ मिल गई कंक्रीट मिक्स में आपको बता दिया मैंने आपके से नॉमिनल मिक्स की बात कर ली मैंने नॉमिनल मिक्स के लिए मैंने आपको वैल्यूज़ दे दी कि क्या वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए सैम्पलिंग का पूरा सेक्शन जो आपको डिजाइन मिक्स मुझे बताना है जहाँ सैम्पलिंग होगी वो सब कल के सेशन में आते ही स्टार्ट करूंगी सो डोंट वरी अबाउट दैट इसके बाद मैं आपके साथ आगे मूव किया मैंने मैंने आपसे बात की मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी टाइप बता दिया मैंने आपको इनिशियल मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी टेंजेंट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तीनों देख लिए इसके बाद आगे बढ़ गए हम लोग क्रीप में क्रीप देखा हम लोगों ने क्रीप को देखा हम लोगों ने और उसके बाद फिर क्रीप को का डिपेंडेंसी जो था मेरे टाइम के साथ वो देख लिया तो मैंने जो पहले देखा था वो बिना क्रीप के मेरा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देखा था अब क्रीप का इफेक्ट जब मैं ले लूँगी लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रही हूँ तो वो इफेक्ट ले लिया मैंने फाइन इसके बाद आगे आ गए आगे आने के बाद भी कुछ किया है हाँ थोड़ा सा श्रिंकेज देखा है बट श्रिंकेज और डिटेल में श्रिंकेज में बहुत कुछ है भैया आपको जानने के लिए तो श्रिंकेज कल डिटेल में एक बार स्टार्ट करूँगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कल मैं आऊँगी और मैं आपके साथ श्रिंकेज स्टार्ट करूंगी श्रिंकेज होने के बाद मैं आपको वेरिएशन दिखाऊंगी किसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ताकि आपको समझ पर आ सके कि फेलियर कहाँ पर होता है मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर डेवलप होता है दोनों की बात करूँगी पहले कंक्रीट के लिए बात करूँगी फिर स्टील के लिए बात करूँगी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करूँगी कल रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगा कल जैसे ही रेनफोर्समेंट स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइप ऑफ ग्रेड्स होते हैं रेनफोर्समेंट के लिए ही एफ ई टू फिफ्टी क्या एफ ई फोर वन फाइव का एफी हाँ राइट तो आपको सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ, सारे ग्रेड ऑफ स्टील के लिए मैं बता दूंगी एच वाई एस डी बार्स सारी उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएंगी कोडल प्रोविज़न कल से पता चलने लगेंगे क्योंकि कल से हम नॉमिनल कवर देखने लगेंगे कल नहीं डे आफ्टर टुमारो नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए आपके पास इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है टोटल डेप्थ क्या होता है इफेक्टिव कवर क्या होता है ये बातें होंगी जैसे ही ये बात खत्म होगी आपका एक्चुअल आर शुरू होगा फिर हम अजम्पन्स देखेंगे पूरे के पूरे डब्ल्यू के और अजम्शन्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग करेंगे अपना सिंगली रेनफोर्स का डबली रेनफोर्स का वंस वी आर डन विद डैट देन हम स्विच करेंगे लिमिट स्टेट में लिमिट स्टेट को डील करेंगे ग्रेजुअली और उसके बाद उसके लिए सिंगली डबली फ्लेंज करेंगे एंड सो ऑन कल क्लास नहीं होगी परसों क्लास होगी अब मेरी क्लास खत्म होने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके मुझे बताइए दिस इज द इशू दैट आई एम हैविंग फाइन बट ये जितने भी नंबर मुझे दिख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज के सेशन में दिख रहे हैं आई डोंट वॉन्ट कि वो नंबर डिक्रीज हो किसी भी तरीके से आई एम ट्राइंग टू पुट आउट द बेस्ट पॉसिबल कॉन्टेंट हियर और मैं चाहती हूँ कि आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकें आज मैंने सेशन लिए सिर्फ कल सेशन नहीं है परसों सेशन होगी रेगुलर सेशन होगी हमने आर के आज कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आपको अगर इस पूरे टॉपिक से कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं प्लीज़ उसको टेलीग्राम पे शेयर कर लीजिए जितना आज मैंने पढ़ा है और उसको डिस्कस करते चलिए ये जो भी मैंने आपको बताया है अभी मैं जो पेजेस मिसिंग थी उसको ऐड करके आपको टेलीग्राम पर ये फॉरवर्ड कर दूँगी पूरा पी आपके लिए रिकॉल हो जाएगा सब कुछ ये जैसे चल रहा है अगर आप इसी सेम मैनर में कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ते हैं देर इज़ ओनली टू 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 मैं क्या बोलूँ पिलर्स कंसिस्टेंसी एंड परजिवरेंस तो वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी ना तो आपको क्लासेस अटेंड करनी होंगी आपको लाइव देखना आप लाइव देखिए आपको रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे और उसके बाद आपका कोई डाउट है तो आपको डाउट पूछना ही होगा एंड देन आपको डीमोटिवेट होना है एंड देन अगेन वो पूरा का पूरा सर्कल चलेगा इट्स अ कम्प्लीट लूप और उस लूप से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो वो मोटिवेशन डीमोटिवेशन वाला पूरा लूप चलना है बट उस पूरे फेज़ में दी ओनली थिंग दैट कैन मेक यू आउट ग्रो योर सेल्फ या uh, मतलब आपको बाकी सबसे अलग कर सकता है इज़ देट नॉट गिविंग अप वो पूरा लूप अगर चल रहा है ना तो थोड़ा सा सिलेबस को देख के डिमोटिवेट होना या फिर थोड़ा टाइम वेस्ट इधर उधर कर देने से काम नहीं बनने वाला है प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टाइम एंड वैल्यू योर टाइम आप प्लीज़ अपने लिए uh, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स को देखते रहा करिए मैं आपके साथ अभी आर डील कर रही हूँ ग्रेजुअली हम बाकी सब्जेक्ट्स भी देखेंगे एंड येस yes, आपको जितना कंटेंट जहाँ जहाँ से मिल रहा है प्लीज़ उस पूरे को यूटिलाइज़ करिए बस हाँ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिएगा ये नहीं कि जैसे कोई नई बुक देख लेते हैं जैसे मैं टेलीग्राम पे देख रही थी मेरे बुक वाले चैनल पे कोई नई बुक दिख जाती है तो उसके लिए लड़ना शुरू बिल्कुल कि इस बुक का पी भेजो पी भेजो अरे ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स का पी पड़ा हुआ है आपके पास ख़ुद की बुक्स हार्ड कॉपी भी होंगी आप पहले उन सबको तो सॉल्व करिए कोई नई बुक कहीं रिलीज होती है और उसका एक फ्रंट पेज आ जा जाता है और आपको लगता है कि अब वही बुक चाहिए वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है है ना आप अपने कंसेप्ट काम करिए आप अपने स्पीड पे काम करिए आप अपने एक्यूरेसी पे काम करिए फिर क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे देखे जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुअली आपके पास सारे पी आने लगेंगे तो ये शाइनी थिंग्स को देख के ना आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट uh, नहीं होना है अपने सोर्सेस लिमिटेड रखिए बार बार बोलती हूँ बहुत कम कॉन्टेंट पढ़िए जितना पढ़िए उसको बार बार रिवाइज़ करिए और उसको क्रिस्प रखिए सॉलिड रखिए दैट्स इट जो चीज़ें आती हैं आपको वो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए फाइन पी डी वाइट में मिल पाएगा कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एवरी वन प्लीज इन्जॉय एंड कीप द हसल गोइंग इट्स बिग बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस टमोरो तो उसके लिए बिल्कुल पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए और बहुत अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे भी बहुत सारा टाइम हमारा इधर उधर वेस्ट होता है तो बिल्कुल मत सोचिएगा गलती से भी ऐसा कि ये वैल्यूएबल टाइम है और ये वेस्ट हो जा रहा है आपका नहीं ये बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल उस टाइम पे देखिए इतना कुछ चल रहा है आसपास देखिए अपने इंटरनेट पे देखिए आपके सराउंडिंग में इतना कुछ हो रहा होगा और कुछ नहीं तो घर में बैठ के राम नाम लीजिए दैट्स इट थैंक यू थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टेक केयर आई एल सी यू ऑल ऑफ आई एल सी ऑल ऑफ़ यू डे आफ्टर टुमारो टेक केयर